invested once, 50,000 invested once for how many years? For 40 years, compounded at 18% per annum. कोई गेस करना चाहेगा ये 50,000 कितना बन जाता है? कोई गेस करना चाहेगा? 1 से स्टार्ट किया था तो 41 तक जाएंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं नंबर बन जाता है 3.75 करोड़। मतलब जितने लोगों को आप में से रिटायरमेंट तक 3.75 करोड़ चाहिए, उनको आज कितने से स्टार्ट करना चाहिए? उनको आज स्टार्ट करना चाहिए 50,000 रुपए से। अब मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, जिनको रिटायरमेंट पे 37.5 करोड़ चाहिए, उनको कितने से स्टार्ट करना चाहिए? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सब लोग आंसर दीजिए इसका। अगर मुझे रिटायरमेंट पे 3.75 करोड़ चाहिए तो 50,000 से स्टार्ट करना है। क्या ये हर साल डालने हैं? नहीं, एक बार डालना है, बार बार नहीं, महीने के महीने नहीं, साल के साल नहीं। लेकिन जितने लोगों को रिटायरमेंट तक 37.5 करोड़ चाहिए, उनको कितने से स्टार्ट करना चाहिए? 5 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं तो कई बार कॉलेज के बच्चों को बोलता हूं, लग जाइए पूरा इंजीनियरिंग, पूरा ग्रेजुएशन, पूरा बीकॉम, लग जाइए 5 लाख रुपए या तो कमाइए, बचाइए, और फिर रिटायरमेंट सिक्योर, फिर महीने के जितना भी पैसा आएगा उससे लाइफ क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। ये तो किन के लिए हो गया? जो 20 साल के हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं? जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं? जैसे समझिए बच्चों की एज है 0, तो मैंने अपने घर में क्या किया था, एक रूल बना दिया था, जब भी बच्चा पैदा होता था मैं फादर मदर को बोलता था कि कार्ड वार्ड बनाओ, और कार्ड वार्ड बना के सबको कार्ड देते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दादा, नाना, मामा, चाचा, और कार्ड के पीछे में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता था, इन गिफ्ट वी प्रिफर ओनली कैश, गिफ्ट में कैश लेके आना, टॉय वॉय मत देना, कपड़े वपड़े मत देना, हमको कैश देना। कितना कैश? 50,000 रुपीज। तो आप, मैंने पहले किन के लिए किया? जो 20 साल के हैं। अब किन के लिए कर रहा हूं? जिनके बच्चे छोटे हैं। फिर किन के लिए करूंगा? 30-40 वाले, रिटायरमेंट वाले। फिर किन के लिए करूंगा? जो 60-70 वाले हैं, जो रिटायरमेंट हो चुका है, वो कैसे पैसे को मैनेज करें? अभी कर रहे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। तो बच्चा पैदा होते ही आपने 50,000 उनके नाम पे डाल दिए, और ये भी खुद नहीं करना, नाना मामा चाचा ने जो दिया उसी पैसे को इस्तेमाल करना है, जो कम पड़ेगा वो आप डाल देना। बच्चा कब रिटायर होगा बता सकते हैं? आज बच्चा पैदा हुआ है, चैट बॉक्स पे कोई लिखना चाहेगा कितने साल बाद? आज पैदा हुआ है तो कितने साल बाद रिटायर होगा, तो हमको पता चल जाएगा। अगर आज पैदा हुआ है तो मान लेते हैं 60 में रिटायर होगा। अगर उसके नाम पे 50,000 इन्वेस्ट कर दें और इस पे 18% रिटर्न मिलते ही जाए, मिलते ही जाए, मिलते ही जाए, तो मुझे कोई बताना चाहेगा 50,000 इन्वेस्टेड वंस, इस बार नॉट फॉर 40 ईयर्स, फॉर 60 ईयर्स, कोई गेस करना चाहेगा? 50,000 अगर एक बार इन्वेस्ट किया हो फॉर 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के लिए, तो कितना पैसा बन जाएगा? Here it is. The number is, एक बार इन्वेस्ट किया है, साल के साल नहीं, महीने के महीने नहीं, 50,000 invested once becomes an astonishing 102 crores, 102 करोड़। अब मैं हर सेशन में लोगों को बताता हूं कि मेरी लव मैरिज हुई थी और मैं और मेरी वाइफ सेम स्कूल में थे, और मैं उसको स्कूल से ही बोल रहा था कि मुझे तेरे से शादी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, एंड शी केप्ट ऑन रिजेक्टिंग फॉर ईयर्स। उसने मेरे को बोला तेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लास्ट में मेरे को समझ नहीं आया मैं उसको कैसे कन्विंस करूं। मैं अपना लैपटॉप ले गया, उस पे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और उसको कैलकुलेट करके बताया ऐसे बनते हैं 102 करोड़, एंड शी सेड यस आई वांट टू मैरी यू, दिस इज हाउ वी गॉट मैरिड। बट जब हमारी शादी हो गई तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला ये क्या 102 करोड़, ये 102 करोड़ तो तब है ना जब बच्चा कितने साल का होगा? 60 साल का होगा। आज बच्चा पैदा हुआ है, 60 साल का जब होगा तो पैसे तो होंगे 102 करोड़, लेकिन महंगाई का क्या, इन्फ्लेशन का क्या? तो एक बार इन्फ्लेशन का हिसाब लगा लेते हैं। आरबीआई बार बार बोलती है द कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई की जो कंफर्टेबल रेंज है वो है 4% प्लस और माइनस 2%। मतलब अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा चले जाए तो आरबीआई अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, डिमांड कम करती है, अपने आप महंगाई नीचे आ जाती है। अगर 2% से नीचे चले जाए तो आरबीआई फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके लिए क्या करती है? इंटरेस्ट रेट नीचे करती है, लोन सस्ते करती है, लोगों को एंकरेज करती है, खर्चा करो, खर्चा करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं महंगाई जो है 60 साल में, जब तक बच्चा 60 साल बाद बड़ा होगा, तो महंगाई हर साल 6% से बढ़ते रहेगी।
अगर आज कोई चीज 1 रुपए की आती है तो अगले साल कितने की हो जाएगी, 1 रुपया इंटू 1.06, 1 रुपया 6 पैसा, 6% बढ़ गया। ये कब तक बढ़ता रहेगा 6-6%, कोई चैट बॉक्स पर लिख के बताएगा, 6% कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक बच्चा 60 साल का नहीं हो जाता। अगर ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो आज जो चीज 1 रुपए की आती है वो 6% से बढ़ते 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 60 साल बाद 32.98 टाइम्स की हो जाएगी। इसका मतलब 32.98 टाइम्स हो गई तो उसकी बाइंग पावर 32 टाइम्स से कम हो जाएगी। तो मुझे बता सकते हैं उस टाइम पे 60 साल बाद बच्चे के पास जो 102 करोड़ होंगे उसकी बाइंग पावर अगर 32.98 टाइम्स से कम हो गई तो क्या होगा, 102 करोड़ डिवाइडेड बाय 32.98, एंटर किया तो कितना हो गया, 3.11 करोड़। मतलब उस टाइम पे वो 102 करोड़ से उतना अमीर महसूस करेगा जितना आज आप कितने पे करते हैं, 3.11 करोड़ पे करते हैं। बट दैट्स अ प्रीटी गुड नंबर। आज किसी को रिटायरमेंट पे 3 करोड़ रुपया दे दो तो बहुत खुश है, और उसके लिए करना क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना था बच्चा पैदा होते ही। ये किन के लिए किया हमने, ये याद रखिए, ये अभी हमने किन के लिए किया, जिनके बच्चे छोटे हैं। अभी भी हमारा एक बड़ा काम रह गया है, क्या बड़ा काम रह गया है, सबसे ज्यादा मैंने नाम याद रखा हुआ है ठाकुर सर का नाम याद रखा है। उन्होंने बोला है मैं 70 का हूं, मेरे लिए प्लान बताओ, तो मैं 50, 60, 70 इनको एक कैटेगरी में डालूंगा। ये Q&A सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे ये करेंगे अपना फाइनेंशियल प्लान, आज कैसे अपना प्लान बनाएंगे। और एक और एज ब्रैकेट क्लियर करूंगा, 30-40 वाले ये आज से ही अपना रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, ये सब कैसे प्लान करना स्टार्ट करें, ये Q&A सेशन में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, एक बार क्या समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया था आज लास्ट के 20-25 मिनट्स क्या करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज समझेंगे और ज्यादा यूजफुल चीज समझेंगे। क्या ज्यादा यूजफुल है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। मतलब निफ्टी खरीदना है ये तो एक चीज हो गई, लेकिन निफ्टी तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ता हो, और निफ्टी तब खरीदना बेचना चाहिए जब वो महंगा हो। तो एकदम सर, प्रणव सर एकदम करेंगे, सारे एज ग्रुप के लिए करेंगे हम, लेकिन हमने तब खरीदना चाहिए जब सस्ता हो और तब बेचना चाहिए जब महंगा हो। लेकिन जब पता कैसे लगे व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, तो वॉरेन बफेट सर तो क्या बोलते हैं, हर चीज की एक फेयर वैल्यू होती है। कभी कभी मार्केट में लेके उसका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाता है, हर एक आदमी को वो चाहिए होता है, तो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से ऊपर चले जाती है, और मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड करती है। और कभी कभी सब बोलते हैं बेकार है, तो मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाती है। तो वॉरेन बफेट सर बोलते हैं गोल्ड हो, स्टॉक हो, आज याद रखिए हमने एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने की बात नहीं करी। जब हम इंटेंसिव प्रोग्राम करते हैं अपना, तो हम कंपनी की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देख के ग्रेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी करते हैं, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है फार्मा में इंफ्रा में वो भी करते हैं। अभी के लिए इजी रखने के लिए क्या करते हैं, भाई निफ्टी को खरीदना है, लेकिन तब खरीदना है जब डिस्काउंट पे होता है और प्रीमियम पे बेचना है। तो लोगों ने बोला लेकिन पता कैसे लगेगा कि डिस्काउंट कब होता है और प्रीमियम कब होता है, तो वॉरेन बफेट सर तो बोलते हैं बड़ा सिंपल है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। करना मुश्किल हो सकता है, और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वॉरेन बफेट सर बोल क्या रहे हैं एक बार समझते हैं। वो ये बोल रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मान लेते हैं सेंसेक्स 1980 में 100 पॉइंट्स पे था, एक बहुत बड़ा बूम आया 1985 तक, और 100 से मार्केट 700 पॉइंट्स पे चले गया। जैसे ही 100 से 700 पे गया तो लोगों ने बोला स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं, अपना घर भी बेच दो और पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो। कई लोगों ने घर बेचा, पैसा स्टॉक मार्केट में डाला, और जिसने डाला उसको घर वापस कभी नहीं मिला। 1980 और गहने बेचे वापस कुछ नहीं मिला 1995 तक, मार्केट 1250। और याद रखिए जब सेंसेक्स निफ्टी 50% गिरता है तो ये सुजलोन आर्कॉम पुंजलोइड ये तो दिखना ही बंद हो जाए, तो ये तो मैप से गायब ही हो जाते हैं, फिर लोग कस्में खाते हैं कभी नहीं। फिर 2000 में .com बबल पे मार्केट 6000 पे आ गई, 2002 में मार्केट कोलैप्स हुई 2500 के आसपास आ गई,
2007 में 21,000, इंडिया नंबर वन, लोगों ने बोला इंडिया से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। 2008 फिर कोलैप्स हो गई 8,000 पे, और करते 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 आज मार्केट से 57,000 पे चल रही है। ध्यान से पेपर पेन पे कहीं नोट करिए, इस स्टॉक मार्केट में 100 से 57,000 पे इन्वेस्ट करने के आपके पास तीन तरीके थे। मुझे सोच के बताइए वो तीन तरीके क्या थे। पहला तरीका था आपने 100 पे बाय किया और आज तक आप क्या कर रहे हैं, होल्ड, बाय एंड होल्ड। इसमें मनमोहन सिंह बेस्ट है, वर्स्ट है, हर्षद मेहता स्कैम, कारगिल वॉर, केतन पारिक स्कैम, यूक्रेन रशिया वॉर, सब हो रहा है, आपने बस खरीद के रखा हुआ है, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। सेक्टर नहीं खरीदा, स्टॉक नहीं खरीदा, क्या खरीदा, आज आज की क्लास के लिए। जब हम इंटेंसिव प्रोग्राम करते हैं तो सेक्टर, स्टॉक्स, गोल्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सब के बारे में बात करते हैं। आज तो हमने बोला कुछ नहीं आता, अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, और याद रखिए नो नथिंग मतलब आप सालों से इन्वेस्ट कर, इतना भी ले लोगे आप तो बहुत अमीर बन जाओगे। तो पहला तरीका है बाय एंड होल्ड। दूसरा तरीका है एसआईपी कर दो, मतलब नीचे भी 500 ऊपर भी 500, पता ही नहीं मार्केट महंगी कब है सस्ती कब है, बस डालते गए एक ही विश्वास के साथ दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। तीसरा तरीका है कि 1980 के बॉटम पे बाय कर लो, फिर जब पीक आता है तो यहां सेल कर दो, फिर बॉटम आता है सब घबरा जाते हैं तो बाय कर लो, फिर पीक आता है तो सेल कर लो। और अगर आप नीचे बाय और ऊपर सेल करते जाएं तो कितने लोगों को यह पड़ता है कि अगर आप ऐसे करें बाय लो सेल हाई, निफ्टी में ही, स्टॉक की बात ही नहीं कर रहे आज, वो तो इंटेंसिव प्रोग्राम बात करेंगे, बैलेंस शीट कैसे समझते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, बट अगर निफ्टी को बाय लो सेल हाई कर लें तो बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। जितने लोगों को यह बात समझ पड़ी एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, मतलब बाय लो एंड सेल हाई भी कर निफ्टी में तो बहुत पैसा बन जाएगा। बट क्वेश्चन क्या है, करें कैसे। आप में से कई लोग तो यार क्या बोल रहे होंगे, यार अभी तक तो लड़का ठीक बोल रहा था कि सेंसेक्स निफ्टी खरीदो, लंबे समय तक होल्ड करो, पैसा बन जाएगा। अब तो ये बोल रहा है नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो, ये पता कैसे लगेगा कि मार्केट सस्ती कब हो गई है और महंगी कब हो गई है। तो ये समझाने के लिए आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ये दो तरीके किनके लिए है, नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता, वो उतना भी नहीं कमा पाए लास्ट 20-30 साल में जितना निफ्टी ने दे दिया। अगर निफ्टी जितना कमाए होते तो आप बहुत वेल्थ क्रिएट कर चुके होते अब तक। अगर आप उतना भी नहीं कमा पाए तो आपको मैं दो तरीके बता रहा हूं, और आपको मैं नो नथिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर की कैटेगरी में रख रहा हूं, और आपको नो नथिंग से धीरे धीरे हम इंटेंसिव प्रोग्राम में नो समथिंग इन्वेस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। बट हमने बोला कि कैसे पता करें अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं कि मार्केट सस्ती कब है महंगी कब है, तो दो तरीके। पहला तरीका मजाक वाला तरीका है, इफेक्टिव बहुत है लेकिन मजाक वाला तरीका, और वो तरीका क्या है, दो मैगजीन्स लगा लीजिए। और वो दो मैगजीन्स कौन सी हैं, तो मैं कई बार वो लोगों को बोलता हूं अगर आप जानना चाहते हैं मार्केट सस्ती कब है महंगी कब है, ये दो मैगजीन लगा लीजिए, काफी हद तक पता चल जाएगा। तो आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए इन दो मैगजीन्स का, कितने की भी आती हो लेनी जरूर चाहिए। और वो दो मैगजीन्स का नाम है सरिता, विमेन सरा, या मेंस हेल्थ भी लिख देते हैं, मतलब इन स्टॉक मार्केट्स का स्टॉक मार्केट से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैंने मेंस हेल्थ जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन कर रहा हूं। तो आप लोग बोलेंगे यार क्या मजाक है, सरिता विमेन सरा कहां से आ गया, ये तो हाउसवाइफ के लिए मैगजीन है, या मेंस हेल्थ कहां से आ गया। तो मैंने बताया सर इसको समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब मार्केट ऊपर जाती है तो कभी सरिता विमेन सरा लिखती है इस हफ्ते निफ्टी ऊपर था निफ्टी नीचे था, नहीं। अगर सरिता विमेन सरा कभी निफ्टी ऊपर नीचे बोलती नहीं है तो लिखती नहीं है क्योंकि टारगेट ऑडियंस को मतलब ही नहीं है। लेकिन कभी कभी मार्केट बहुत बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि घर घर में कहानी चालू होती है, इन्होंने इन्वेस्ट किया इनका पैसा बढ़ गया, इन्होंने इन्वेस्ट किया इनका पैसा बढ़ गया, हम ही रह गए। जब सरिता को समझ पड़ता है कि पूरा हिंदुस्तान अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सरिता भी एक आर्टिकल लिखता है कि अगर 2003 में किया होता तो 2008 तक मार्केट यहां आ गई होती, और मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। और उनके कवर पेज पे, याद रखिए सरिता विमेन सरा के कवर पेज पे आर्टिकल पढ़ना मत भूलिएगा। क्या आता है आर्टिकल, एक आर्टिकल आएगा गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करें,
जब सरिता विमेंसरा में ये आर्टिकल आ जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करें, तो समझ जाइए स्टॉक मार्केट में यूफोरिया यानी ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी अपने पीक पे आ गई है। अगर सरिता विमेंसरा बोले गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे, हाउ कैन अ हाउसवाइफ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो मार्केट कहां आ गई है, पीक पे आ गई है। और उसी तरीके से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई तो सरिता विमेंसरा वाले को क्या फर्क पड़ता है, गिरते गई गिरते गई गिरते गई, इतनी गिरी कि सरिता ने बोला एक आर्टिकल तो बनता है। फिर सरिता यहां पे आर्टिकल लिखता है आर्थिक मंदी से कैसे जूझें, हाउ टू डील विद अ फाइनेंशियल रिसेशन। तो याद रखिए सरिता स्टॉक मार्केट के बारे में कभी आर्टिकल नहीं लिखेगा, और लिखेगा तो ये दो आर्टिकल लिखेगा, आर्थिक मंदी से कैसे जूझें, हालत बहुत खराब हो गई है अब आगे क्या करें, या गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करें कि मार्केट इतना आसान हो गया है कि सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। यही दो तरीके आपको यूज करने चाहिए। तो लोगों ने बोला फिर मैगजीन लगा लें क्या, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो सर, 150 रुपए की मैगजीन आती है, 150 रुपए की मैगजीन खरीदने से अच्छा हम 150 का निफ्टी ना खरीद ले। तो लोगों ने बोला फिर पता कैसे लगेगा, मैंने बोला इसके लिए मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ मैगजीन स्टैंड पे जाना है और मैगजीन स्टैंड पे आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल रिसेशन एंड हाउ कैन हाउसवाइफ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट का आर्टिकल पढ़ना है। अब आप में से कई लोग क्या बोलेंगे, यार ये थोड़ा मजाक वाला तरीका हो गया, कोई सीरियस बात करो। तो मैं आपको सीरियस तरीका बता रहा हूं अब नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए, एक सीरियस तरीका जिससे वो पता कर सकते हैं व्हेन आर मार्केट्स एक्सपेंसिव एंड व्हेन आर मार्केट्स चीप, और उसके हिसाब से वो बाय लो सेल हाई कर सकते हैं। और वो तरीका है IPO वे। इसमें मैं एग्जैक्ट डेट्स निकाल के आपको दिखाऊंगा किस दिन बाय करना चाहिए था, किस दिन सेल करना चाहिए था। ये IPO वे क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं IPO मतलब क्या। किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए, कोई भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या कर देते हैं, अपना शेयर्स पब्लिक को दे देते हैं। पब्लिक उनसे क्या खरीदती है, शेयर्स, उसके बदले पब्लिक कंपनी को क्या दे देती है, पैसा। तो कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास गए और पब्लिक का पैसा कंपनी के पास आया, उस पैसे से कंपनी काम करती है, प्रॉफिट हुआ तो सबको होगा, पब्लिक को भी होगा क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डर बन गई है, लॉस हुआ तो सबको होगा क्योंकि पब्लिक भी शेयर होल्डर है। लेकिन आपको क्या समझना है, जब पहली बार ये कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है इसलिए उसको बोल देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पब्लिक को ऑफर किया। लेकिन आईपीओ समझने से पहले यह देखते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके आती क्यों है, क्योंकि आईपीओ ना लाके भी वो पैसा रेस कर सकती है। समझते हैं कैसे, समझिए वरुण है और वरुण को चाहिए पैसा अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो बताइए वरुण को पैसा करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो वरुण ने सोचा है कहां से लें पैसा, तो वरुण ने बोला ऐसा करते हैं बैंक चलते हैं। तो वरुण बैंक के पास गया और वरुण ने बोला मुझे पैसा चाहिए लोन दे दो। तो बैंक ने बोला बड़ा सिंपल है, आप 100 रुपीज का मेरे से लोन ले लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा आप कितना इंटरेस्ट लोगे इस पे, उन्होंने बोला साल का 10 रुपए, मतलब 10% इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं बैंक से 100 रुपए लूंगा और मेरे को लगता है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, 30-40% मैं कमा लूंगा, और 30-40% कमा के उसमें से 10% मैं बैंक को वापस दे दूंगा। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में पहले लिख के बताइए, यस या नो में बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। समझिए अगर मैंने 100 रुपए बैंक से लोन लिए, और मैं उनको 10 रुपए दे रहा हूं, अगर मेरा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कर जाता है तो क्या बैंक मेरे को बोलेगा कि वरुण अब तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, अब हमको 100 रुपए नहीं, हमको 10 रुपए इंटरेस्ट नहीं, 20 रुपीज इंटरेस्ट दो। मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, मैंने बैंक से 100 लिए, मैं उनको 10 दे रहा हूं। अगर मेरा बिजनेस फ्यूचर में बहुत अच्छा कर जाता है तो क्या बैंक मेरे को यह बोलेगा कि वरुण तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है, अब 10 रुपीज नहीं, मेरे को 20 रुपीज दो, 25 रुपीज दो। नहीं, बैंक तो अपने 10 रुपए ही मांगेगा। तो मैं बैंक से लोन लेने ही वाला था कि अचानक से आप आ गए, आप मतलब पब्लिक, आपने मेरे को बोला वरुण क्या कर रहा है यार, 3600 लोग सेशन में बैठे हुए हैं, लास्ट तक 3600 लोग बैठे हैं, मेरे को तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्या बिजनेस है। तो मैंने बोला सर आप कितना रुपया दे दोगे, आपने बोला वही जो तू बैंक से ले रहा है, मेरे से भी 100 रुपीज ले ले। तो मैंने आपको बोला सर बैंक तो मेरे से 10 रुपए का इंटरेस्ट मांग रहा है, उसके बदले आप क्या मांगोगे। तो याद रखिए पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मांगती, पब्लिक क्या मांगती है, आपके कंपनी में शेयर यानी हिस्सा यानी
इक्विटी यानी पार्टनरशिप। तो आपने मेरे को बोला, वरुण हम तेरी कंपनी में 100 रुपए दे देंगे, हमको तेरी कंपनी में क्या चाहिए? पार्टनरशिप चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा पार्टनरशिप चाहिए, तो आप, मैंने बोला सर कितनी चाहिए? मान लेते हैं आपने बोला मुझे 10% की पार्टनर, आपने मतलब आप सब पब्लिक ने मिलके बोला हमको 10% की क्या दे दो? पार्टनरशिप दे दो। तो मैंने हिसाब लगाया कि मैं साल का, मेरी कंपनी 100 रुपीज कमाती है, अगर कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला ओनर हूं, तो ये 100 रुपीज कौन कमाता है? मैं कमाता हूं, मैं घर लेके जाता हूं साल के एंड में 100 रुपीज। लेकिन कल से मैं सिर्फ इसमें से 90 रुपीज लेके जाऊंगा, क्योंकि 10% के हिस्सेदार तो आप भी हैं, तो मैं आपको कितना दे दूंगा? 10 रुपीज। मैं घर कितना लेके जाऊंगा? 90 रुपीज, क्योंकि आपने मेरे को 100 रुपए दिए हैं और उसके बदले 10% की पार्टनरशिप ले ली है। अब जितना भी प्रॉफिट होगा मेरे और आप में 90% 10% में बटेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर फ्यूचर में मेरा नेट इनकम 200 रुपीज हो जाता है, तो मुझे बताइए, चैट बॉक्स लिख के बताइए, क्या बैंक मेरे को बोलेगा 10 रुपीज नहीं 10 से ज्यादा, या बैंक 10 ही मांगेगा? बैंक कितने मांगेगा बताइए? मैंने बैंक से 100 रुपीज लिया, आपसे भी 100 रुपीज लिए, बैंक को 10 रुपए देने हैं और आपको भी 10% की पार्टनरशिप देनी है। मेरा प्रॉफिट पहले 100 रुपीज होता था, अब प्रॉफिट हो गया 200 रुपीज, तो बैंक कितने रुपए मांगेगा? बैंक तो अभी भी 10 रुपीज के 10 रुपीज ही मांगेगा। लेकिन पब्लिक कितने मांगेगी? पब्लिक बोलेगी वरुण 90% तेरा, 10% हमारा। तो अब पब्लिक बोलेगी 200 में से मुझे 10% चाहिए, 20 रुपीज चाहिए, और वरुण को कितने मिलेंगे? वरुण को 180 रुपीज मिलेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट 300 हो गया, तो पब्लिक बोलेगी हमको 30 रुपीज चाहिए और वरुण सिर्फ 270 रुपीज लेके जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, पब्लिक मेरे से ज्यादा मांगेगी, बैंक उतना ही मांगेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। इस क्वेश्चन का एक बेसिक एजम्पशन है, अज्यूम करिए मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है और इसका प्रॉफिट इंक्रीज होने ही वाला है। आई एम एब्सोल्युटली श्योर, एजम्पशन सुन लीजिए, मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट फ्यूचर में इंक्रीज करने ही करने वाला है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे बताइए मुझे पैसा किससे लेना चाहिए, 100 रुपीज बैंक से या 100 रुपीज पब्लिक से? मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा करेगा, बैंक भी 100 दे रहा है उसके बदले 10 रुपए मांग रहा है, पब्लिक भी 100 दे रही है उसके बदले आज तो पब्लिक 10 रुपीज ही मांग रही है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज ही है आज। लेकिन मेरे को पता है मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है, तो ये भी 100 दे रहा है, ये भी 100 दे रहा है, ये भी 10 मांग रहा है, ये भी 10 मांग रहा है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो पब्लिक ज्यादा मांगना स्टार्ट कर देगी। तो आप सबने एकदम सही बोला, मुझे पैसा किससे लेना चाहिए? बैंक से ही लेना चाहिए। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा जब मार्केट्स डाउन होती हैं तो कोई आईपीओ आता ही नहीं है। ये कितने लोगों ने नोटिस किया? अगर नोटिस किया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। जब मार्केट्स बहुत गिरी होती हैं, जैसे कोविड वाला टाइम आया था, तो आईपीओ आते ही नहीं थे। क्यों नहीं आते थे आईपीओ? क्योंकि उस प्राइस पे मार्केट से पैसा रेस करना कोई फायदा ही नहीं है, उससे अच्छा पैसा कहां से रेस कर लो? सस्ते में अपना स्टॉक बेचने से अच्छा बैंक से रेस कर लो। फिर धीरे धीरे मार्केट बढ़ती है, एक मार्केट बढ़ती है, दूसरे स्टॉक का आईपीओ आता है, उसमें फायदा होता है, तीसरे में फायदा होता है, चौथे में फायदा होता है, सीरीज ऑफ आईपीओ में फायदा होता है। जब सारे आईपीओ में फायदा होता है तो पब्लिक को समझ पड़ जाता है कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर दो। तो मुझे बताइए कितनी बार आप लोगों ने महसूस किया है, अरे यार आईपीओ में लगाना तो बड़ा आसान है, बस पैसा डालो पैसा बन जाता है। क्योंकि अब पूरी पब्लिक को समझ पड़ गया है कि आईपीओ में पैसा कमाना सबसे आसान है। इस इमोशन का एक कंपनी फायदा उठाएगी और वो कंपनी होगी इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर। जैसे ही आईपीओ का क्रेज बढ़ेगा, इस इमोशन का फायदा उठाने के लिए एक सबसे बड़ा आईपीओ आएगा। इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ मतलब जो बहुत ज्यादा मनी रेज करने वाला है। बहुत ज्यादा मनी कब रेज होता है? जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में हो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कब होते हैं? व्हेन एवरीबॉडी फील्स कि स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। और कभी कभी सबसे बड़ा आईपीओ आता है और वो भी क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्राइब। क्या समझते हैं ओवर सब्सक्राइब से? कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा। ओवर सब्सक्राइब का मतलब शेयर है 10, लोगों ने 500 शेयर के लिए, 50 शेयर के लिए
1000 शेयर के लिए क्या कर दिया है, सब्सक्राइब। इसको बोलते हैं यूफोरिया। हर एक आदमी अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपको क्या समझ पड़ना चाहिए, जिस भी दिन आपको पेपर में पढ़ने को मिल जाए इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर हैज कम और वो आईपीओ मार्केट में ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो आपको समझना चाहिए एवरीबडी इन द स्टॉक मार्केट इज ग्रीडी। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब क्या करते हैं, एग्जैक्ट डेट निकालते हैं कि सबसे बड़े आईपीओ कौन से आए, कब आए, उनकी डेट क्या थी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक आर्टिकल ले जा रहा हूं रिडिफ। रिडिफ के आर्टिकल में दिखाया है इंडिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ कौन से रहे। तो इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ की डेट क्या रही है, इधर लिखा है 5th August 2010, 5 अगस्त 2010 इंडियाज 10 लार्जेस्ट आईपीओ। आर्टिकल की डेट नोट कर लीजिए 5th August 2010। यहां पे लिखा है इंडियाज लार्जेस्ट एवर पब्लिक ऑफर कोल इंडिया विल रेज 15,000 crores एंड विल हिट द स्टॉक मार्केट्स व्हेन, 3rd week of October। मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए 3rd week of October कौन सा ईयर, ऊपर लिखा था हमने नोट किया था 3rd week of October कौन सा ईयर, कौन सा आईपीओ की बात कर रहे हैं, कोल इंडिया। कितने करोड़ रेस करने वाला है, 15,000 crores रेस करने वाला है। तो इधर लिख लेते हैं 3rd week of October, 3rd week को क्या लिख लू मैं, 21st October लिख लू। 21st October कौन सा ईयर चल रहा है, ये 5 अगस्त 2010 का आर्टिकल था, ये अक्टूबर 2010 में आया था। कितने का आईपीओ आया था, 15,000 crores का आईपीओ आया था, कौन से कंपनी का, कोल इंडिया का। मैंने क्या किया होगा इस दिन, सेल, सबसे बड़ा आईपीओ आ गया, मैंने सेल किया होगा। आपने क्या किया होगा, ऑफिस से छुट्टी ली होगी और इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने गए होंगे, क्योंकि आपको लगा होगा बस मैं ही रह गया हूं जिसने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया। 21 अक्टूबर 2010 को इंडिया का सबसे बड़ा आया 15,000 करोड़। उसके बाद आप जान के हैरान होंगे 2021 तक इससे बड़ा कोई आईपीओ आया ही नहीं। और 2021 में पहली बार पेटीएम का आईपीओ आया जो 18,000 करोड़ के आसपास था। अब कई लोग बोलते हैं ये बड़ा था, अब देखिए अब एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बड़ा ही था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये 15 का था, ये 18,000 का था। लेकिन आपको समझना चाहिए महंगाई भी क्या हो गई थी, 12 साल में 11 साल में डबल। तो उस टाइम का 18,000 करोड़ का आईपीओ जो पेटीएम का है वो कोल इंडिया के टाइम के 9,000 करोड़ का था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पेटीएम सबसे बड़ा नहीं है, पेटीएम सबसे बड़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड शायद कोल इंडिया जितना नहीं है। लेकिन आपको क्या पता लग गया था, जब पेटीएम जैसा आईपीओ आया तो मार्केट में थोड़ा बहुत यूफोरिया तो आई गया है। फिर किसकी बात शुरू हो गई, एलआईसी की बात शुरू हो गई, 50,000-60,000 करोड़ का आईपीओ आएगा। ये एकदम क्लियर दिखा रहा था कि मार्केट में हल्का सा क्या क्रिएट हो गया था, यूफोरिया। मार्केट से गवर्नमेंट पैसा रेस करने ही वाली थी कि अचानक से मार्केट नीचे आ गई, लेकिन वो रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि पीक पे पैसा रेस करना आसान होता है। अच्छा 21 अक्टूबर 2010 के बाद की बात नहीं करते, 21 अक्टूबर 2010 को क्या करना चाहिए था, सेल। उससे पहले, कोल इंडिया से पहले सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा आया था, सबसे बड़ा आईपीओ, तो ये देखिए जैसे मैं दिखाऊंगा कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। उससे पहले सबसे बड़ा आईपीओ आया था रिलायंस पावर का, कब आया था, अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी रेस्ड 11,700 करोड़, स्टार्टेड विद द बैंग ऑन 15th January 2008, India's biggest ever, getting fully subscribed within a minute of opening. तो इधर लिख लेते हैं कौन सी डेट है, 15th January 2008, कितने करोड़ का आईपीओ था, 11,700 crores का। आर पावर का आईपीओ था, किस दिन क्या करना चाहिए था, सेल। मैंने तो सेल किया होगा, आपने क्या किया होगा, डीमैट अकाउंट खुलाया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको 2003 से अब तक का निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, 2003 से 2021। 2003 से स्टार्ट क्यों किया, पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 2000 में बूम आया था, फिर वो 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद बर्स्ट हुआ। अब कहां से स्टार्ट हुआ, 2003 से, 2003 से 2021 कितने इयर्स की बात कर रहे हैं, 19 इयर्स की बात कर रहे हैं। इन 19 इयर्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके थे, पहला तरीका था बाय एंड होल्ड, खरीदा और 2003 के बाद आईपीओ आ रहे हैं जा रहे हैं आपने चिंता ही नहीं करी, आप बस क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा तरीका था कि आप एसआईपी करते रहते,
और तीसरा तरीका था 2003 में जब 9/11 के अटैक के बाद आर्टिकल छपे, आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, कर लेते बाय और फिर बैठे नहीं रहते। 15 जनवरी 2008 में आर पावर का आईपीओ आया, मतलब यूफोरिया पीक पे आया, तो क्या कर दिया, सेल। फिर नवंबर 2008 में जब लीमन क्राइसिस हुआ, यूएस हाउसिंग क्राइसिस, आर्टिकल आया कि आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, तो क्या कर लेते बाय। फिर 21 अक्टूबर 2010 में कोल इंडिया के आईपीओ पे सेल। 2012 में जब बीच में बात आई कि मनमोहन सिंह कभी भी रिजाइन कर देंगे, मुलायम सिंह सपोर्ट हटा लेंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, आर्थिक मंदी से कैसे जूझे पे क्या किया, बाय। और तब से लेके आज तक क्या कर रहे, होल्ड ही करते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ आया ही नहीं। तो 2012 से बात नहीं करते आगे की, क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ आया ही नहीं। तो डेट नोट कर लिया आपने, 1 जनवरी 2003, जनवरी 2008, नवंबर 2008, 21 अक्टूबर 2010। अब मैं आपको यहां पे ये दिखा रहा हूं, मैं बस 10 15 20 मिनट में मैं Q&A स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं निफ्टी का। ये निफ्टी का चार्ट है फ्रॉम 2003 टिल 2021। कितने साल के चार्ट की बात कर रहे हैं, 19 इयर्स का चार्ट देख रहे हैं। यहां पर जहां पर भी ये ब्लू डॉट आएगा, उस दिन की डेट यहां पर आ जाएगी और उस दिन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो यहां पे देखिए पहली डेट क्या आ रही है आपकी, ये रहा ब्लू डॉट, 3 जनवरी 2003, निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है, 1089। तो कितने पे था, 2003 में अगर हमने निफ्टी बाय किया होता तो लगभग 1000 पे चल रहा था, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और आज 2022 में 17,000 पे चल रहा है, तो कितने गुना बढ़ गया है, 17 टाइम्स। तो आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि लास्ट 19 ईयर्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट आपका पैसा 17 गुना बढ़ना चाहिए था। अगर आपका पैसा 17 टाइम्स नहीं बढ़ा है तो कहीं अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं। आपका अगर 17 गुना भी नहीं बढ़ा लास्ट 19 साल में, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। मतलब आपको बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है, जो आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है इंटेंसिव में, तो मुझसे और आगे जाना स्टार्ट करते हैं इसी चीज को सीख के। तो 17 टाइम्स 19 ईयर्स में यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। लेकिन ज्यादा मजा कब आता, ज्यादा मजा कब आता, तब जब आप 2003 में बाय करते और बैठे नहीं रहते। 15 जनवरी 2008 में रिलायंस पावर आईपीओ पे क्या कर देते, सेल। फिर नवंबर 2008 में आर्थिक मंदी से कैसे जूझे पे क्या कर लेते, बाय। और 21 अक्टूबर 2010 में कोल इंडिया के आईपीओ पे क्या करते, सेल। अगर आप ऐसा करते तो देखना चाहते हैं कितना पैसा बनता, 2003 में आप 1000 पे बाय करते। फिर 15 जनवरी 2008, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू, 6000 पे आप क्या कर देते, सेल। तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया। दिस वेंट अप बाय 6 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपया डालते तो 6 लाख रुपया हो जाता। आप 6 लाख को निकालते, आप में से कई लोग गाड़ी खरीद लेते, आप 6 लाख निकालते घर की डाउन पेमेंट करते, आप 6 लाख निकाल के घूमने घूमने जाते। मेरे जैसे लोगों ने 6 लाख निकाला, बचाया। और नवंबर 2008, ये देखिए नवंबर 2008 में मार्केट तो सेल कब करना था, सेल करना था नेक्स्ट सबसे बड़े आईपीओ पे, वो कब था, 21 अक्टूबर 2010। ये रहा 21 अक्टूबर 2010, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू, 2500 पे खरीदते और फिर से 6000 पे बेचते, कितने गुना हो जाता, 2.5 टाइम्स। अगर 6 लाख को मैं 2.5 टाइम से मल्टीप्लाई करता तो ये 15 लाख हो जाता। मतलब 1 लाख से स्टार्ट किया, 15 टाइम्स हो गया। कितने साल में, कोई आप में से चैट बॉक्स पे लिख के बताना चाहेगा कितने साल में 1 लाख से स्टार्ट किया, 15 टाइम्स हो गया। 2003 से 2010, 7 ईयर्स में 15 टाइम्स। तो डेटा नोट करिए, एक अगर आपको कुछ नहीं आता तो 2003 से 2021 19 इयर्स में आप क्या करते, बाय एंड होल्ड। अगर आप कर रहे होते तो निफ्टी में पैसा 17 टाइम्स बन जाता। लेकिन अगर आप ठीक टाइम पे बाय और सेल करते तो 2003 या
पूरा परफेक्ट टाइमिंग ना भी करते तो 2003 से 2010 सेवन इयर्स में निफ्टी में पैसा कितने गुना बढ़ गया, पैसा बन गया हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स, सेवन इयर्स में 15 टाइम्स। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने बोला सर इतना अच्छा टाइमिंग ना भी कर पाए, 10 इयर्स में 10 टाइम्स भी तो भी बात बन जाएगी। लोगों ने बोला कैसे, तो मैं ये नंबर लिख के दिखाता हूं बार बार, 20, 30, 40, 50, 60। अभी 60-70 वालों को क्या करना चाहिए उनको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं। इनफैक्ट याद रखिए 60-70 वालों को फायदा क्या है, उनके पास पैसा है। 20-30 वालों के पास फायदा क्या है, उनके पास टाइम है। तो हर एक आदमी को इस नॉलेज को यूज करके अपने लिए प्लान बनाना है जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन 20 की एज में अगर 1,00,000 रुपया डाला होता और 10 टाइम्स हो जाता, 10 साल में 10 गुना हो जाता, तो 30 की एज तक कितना हो जाता, 10 लाख। अगर 30 टाइम्स हो जाता तो 10 × 10 वापस 10 टाइम्स हो जाता तो 10 अगले 10 साल में तो 1 करोड़। फिर से 10 टाइम्स हो जाता तो कितना होता, करते जाइए मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग हो रही है। फिर से पहले 1,00,000 पे 10 गुना, फिर 10,00,000 पे 10 गुना, फिर 1 करोड़ पे 10 गुना, फिर वापस हो जाता तो 60 की एज तक कितना हो जाता, 100 करोड़। तो मैंने एक दिन अपने भाई को बोला ऐसे बन जाते हैं 100 करोड़। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला लेकिन कब तक करता रहेगा, तो मैंने उनको बोला वर्क टिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स। तो उन्होंने बोला आइडल कौन है, तो मैंने गलती से बोल दिया वॉरेन बफेट। जैसे ही मैंने बोला उन्होंने बोला वो तू नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कर नहीं सकते बट ट्राई तो कर सकते हैं। उसने बोला कैसे, तो ध्यान से सुनिए कैसे ट्राई कर सकते हैं। एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी, दूसरा इंडेक्स है जिसका नाम है नेक्स्ट 50। अब मुझे बताइए जब बूम आता है तो ज्यादा कौन सा बढ़ेगा और जब बस्ट आता है तो ज्यादा कौन सा गिरेगा। दोनों का आंसर सेम ही है, सोच के बताइए। जब बूम आता है तो ज्यादा कौन सा बढ़ेगा, निफ्टी या नेक्स्ट 50। जब बस्ट होता है तबाही मच जाती है, मार्केट कोलैप्स कर जाती है, इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, तो ज्यादा कौन सा गिरेगा, मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व होगी। जब मार्केट पीक पे जाती है तो लोग बोलते हैं रिलायंस सुना डबल हो जाएगा, सुजलॉन तो डबल हो जाएगा, छोटी कंपनीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जब कोलैप्स होता है तो गिरता भी है ज्यादा है। तो इसका मतलब क्यों ना सेम डेट्स पे इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग निफ्टी, इस बार हम क्या बाय सेल करें, सेम डेट्स पे नेक्स्ट 50 को बाय एंड सेल करें। सो स्टार्ट करते हैं 2003 से 2022, हाउ मेनी इयर्स, 19 इयर्स। 19 इयर्स में अगर जनवरी 2003 पे ये ब्लू डॉट देखते तो इसकी वैल्यू चल रही थी 1391। आज किसी को आइडिया है नेक्स्ट 50 कितने में चल कितना बड़ा था, 17 टाइम्स। और ये कितना बढ़ गया है नेक्स्ट 50, 29 टाइम्स, क्योंकि इसका उतार चढ़ाव क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करके जाता है। इसलिए रिटर्न भी 1-2% ज्यादा, लेकिन 1-2% कंपाउंडेड फॉर 19 इयर्स विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन ज्यादा मजा तो तब आता जब आप 2003 सेल, फिर नवंबर 2021 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया के आईपीओ पे क्या कर देते, सेल। अगर करते तो कितना पैसा बनता देखते हैं, 1391 पे बाय किया 15th जनवरी 2008, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू। नोट कर लीजिए वैल्यू कितनी है, वैल्यू चल रही है 12,539। कितने गुना हो गया, 1391 से 12,539, दिस हैज गॉन अप बाय 9 टाइम्स। मतलब 1,00,000 रुपया डालते तो 9,00,000 रुपया हो जाता। आप 9,00,000 को निकालते, गाड़ी खरीदते, घर की डाउन पेमेंट करते, घूमने जाते, मैंने 9,00,000 को बचा। और नवंबर 2008 में आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, ये रहा ब्लू डॉट, 3782 पे आ गई मार्केट, मैंने यहां पे फिर से इन्वेस्ट कर दिया। कितने रुपए डाले, 9,00,000 रुपए डाले। सेल कब किया,
21 अक्टूबर 2010, डेट तो चेंज नहीं कर रहे, सेम डेट्स पे बस निफ्टी के नेक्स्ट 50 बाय सेल कर रहे हैं। ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू 13,100। इधर लिख लेते हैं 13,100 कितने गुना बढ़ गया, दिस वेंट अप बाय 3.5 times। 9 लाख को अगर आप 3.5 times से बढ़ाते तो ये बन जाता 31.5 times, मतलब 1 लाख से स्टार्ट किया और 31.5 lakhs बन जाता कितने साल में, 2003 से 2010। तो ध्यान से डेटा नोट करिए, एक तरीका था कि आप क्या करते, बाय एंड होल्ड, 2003 से 2021 19 इयर्स करते तो निफ्टी में पैसा बनता 17 times, नेक्स्ट 50 में पैसा बना 29 times। दूसरा तरीका था आप बाय लो एंड सेल हाई करते 2003 से 2010 में, और निफ्टी में ऐसा आप करते तो इन 7 इयर्स में पैसा बना होता 15 टाइम्स, और नेक्स्ट 50 में करते तो इन 7 इयर्स में पैसा बना होता 31.5 times। 7 इयर्स 31.5 times। मैंने बोला ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं, गलती से अगर 10 साल में 30 टाइम भी हो जाता तो होता क्या, होगा नहीं, ये तो डिपेंड करता है कितने मूवमेंट बस्ट आएंगे, ज्यादा मूवमेंट बस्ट आएंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। मेरे फादर कई बार बोलते हैं तू लकी निकला, तेरे टाइम हर्षद मेहता स्कैम नहीं हुआ। मैं उनको बोलता हूं पापा उसी का तो वेट कर रहा हूं, वो हो जाए तो और मूवमेंट बस्ट आ जाएंगे। तो ये देखिए 20, 30, 40, 50, 60 कितना बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी फिलॉसफी क्या है खरीदने और बेचने की वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 20 की एज में 1 लाख से स्टार्ट किया होता तो मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आगे के आंसर लिख दीजिए सारे। 20 की एज में 1 लाख होता तो 30 की एज तक कितना हो जाता, 30 लाख। इंटू 30 करते तो 30 × 30 कितना हो जाता, 9 crores। इंटू 30 करते तो कितना हो जाता, 9 × 30 270 crores। इंटू 30 करते तो कितना हो जाता, कोई लास्ट नंबर बताना चाहेगा मेरे को चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा, लास्ट नंबर हो जाता 8,100 crores। इसीलिए वॉरेन बफेट बार बार आइंस्टाइन के कोट को रिपीट करते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपाउंडिंग चल रही है, 1 लाख पे पहले 30 लाख हुआ, फिर 30 लाख पे 30 गुना बढ़ा, फिर 9 करोड़ पे 30 गुना बढ़ा, तो कंपाउंड करके 8,100 करोड़। कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। One who understands it earns it, one who doesn't pays it। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक तरीका है बाय करने का, आप निफ्टी खरीदिए और लंबे समय तक होल्ड करिए। दूसरा तरीका जो ज्यादा यूजफुल तरीका है, ज्यादा फ्रूटफुल तरीका है, वो बाय लो सेल हाई का किया। और याद रखिए आज हमने बाय लो सेल हाई सिर्फ किसमें किया, निफ्टी में किया। जब आप इंटेंसिव प्रोग्राम करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम, वहां पर आप सिर्फ निफ्टी नहीं सेक्टर्स में भी बाय लो करना सीखते हैं, स्टॉक्स में भी बाय लो सेल हाई करना सीखते हैं, लेकिन और ऑप्शंस भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उसमें भी बात करूंगा। बट ये सब बाय लो सेल हाई करने से पहले लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स को क्या करना है, सिक्योर करना है। मतलब ये वेल्थ मैक्सिमाइज करने की जो आप कोशिश करेंगे ये तब करनी है जब आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए, बच्चे की एजुकेशन सिक्योर हो जाए, किसी का मैरिज प्लान सिक्योर हो जाए, आपकी टैक्स प्लानिंग सिक्योर हो जाए, आपकी इंश्योरेंस सिक्योर हो जाए। तो याद रखिए पहले आपको फाइनेंशियल प्लान बना के इन बकेट्स को क्या करना है, सिक्योर। तो अब ये सब कैसे करें कि भाई मैं पहले लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल कैसे सिक्योर करूं, जो पैसा है उसको बाय लो सेल हाई कैसे करूं, निफ्टी में कैसे बाय लो सेल हाई करूं, नेक्स्ट 50 में कैसे करूं, सेक्टर्स में कैसे करूं, ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करके आईटीसी जैसा स्टॉक सस्ता कब खरीदूं, महंगा कब बेचूं, ये सब करने के लिए हमारा पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम है, जो एक 36 hours ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट है, प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट के बाद 4 आपकी लाइव सेशंस होती हैं, ताकि जो भी आपने सीखा उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए 1.5 hour ईच। इसमें 2022 तक के अपडेट्स हैं, यानी कि जब आप कोर्स करेंगे तो आपने टॉपिक सीखा, फिर आपको बताया जाएगा 2022 में कर रहे होते आज तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आपके लाइव सेशंस भी होंगे 4, 1.5 घंटे के, प्लस इसके अलावा आपकी 1-to-1 मीटिंग होगी मेरे साथ, मतलब
अगर आपको लगे कि यार मैंने कर तो लिया, समझ पड़ गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करूं, इससे मुझे वरुण से एक बार बात करनी है कि मैंने जो सीखा वो मैंने सही सीखा और मैं ठीक से इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि याद रखिए, कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको घर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंप्लीमेंट ना कर पाए, क्योंकि आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे होंगे। अब इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है हाउ टू बाय लो सेल हाई। आज तो हमने बहुत नो नथिंग इन्वेस्टर के तरीके देखे, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं, सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्शंस वगैरह क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, डेट फंड्स वगैरह क्या होता है, ऐसे करके पूरे के पूरे हमारे 9 मॉड्यूल्स हैं। तो मैं वेरी क्विकली आई वॉन्ट टू टेक 10-15 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि ये जो 9 मॉड्यूल्स हैं, हाउ डू दे हेल्प यू टू बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर। तो आई होप इट इज ओके इफ आई टेक अबाउट 10-15 मिनट्स टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इंटेंसिव प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स दैट यू कैन डू टू मैनेज वेल। पहला मॉड्यूल में आप सीखेंगे हाउ टू बाय लो एंड सेल हाई। इसमें क्या सीखने वाले हैं, वॉरेन बफेट बार बार बोलते हैं इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट में एक रिलेशन होता है, और वो एक कोट यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर टू स्टॉक मार्केट्स व्हाट ग्रेविटी इज टू ऑब्जेक्ट्स। यानी ग्रेविटी नीचे तो चीजें ऊपर, ग्रेविटी ऊपर तो चीजें नीचे, वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट नीचे तो मार्केट ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर तो मार्केट नीचे। अब कैसे पता लगाया कि आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरे को पैसा बैंक में या डेट फंड में रखना चाहिए, अर्निंग एनालिसिस करना। कई लोग क्या करते हैं, जो बहुत नए इन्वेस्टर्स होते हैं, एमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सिर्फ पी बाय ई करते रहते हैं। पी बाय ई में अगर आपको ई को एनालाइज करना नहीं आता तो आप मिसलीड हो जाएंगे। कैसे, जैसे कोविड के टाइम पे अगर मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ था और वो गिर के 10 लाख हो गया, तो अगर आप 10 लाख के प्रॉफिट से प्राइस मेरा चेक कर रहे हैं तो आप मिसलीड हो जाएंगे, क्योंकि कोविड के बाद मेरा प्रॉफिट फिर से 1 करोड़ हो जाएगा। तो बेसिकली अर्निंग एनालिसिस करना जरूरी है। बिहेवियरल फाइनेंस जो बार बार वॉरेन बफेट सर बोलते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, ये सब वो चीजें हैं जो मैंने IIM अहमदाबाद, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस, CFA CMT, जहां का मैं एलमनस हूं इन सारे कोर्सेस का, वहां मैंने ये सब नहीं सीखा। क्योंकि मैंने नहीं सीखा तो मुझे लगा हमको लोगों को बताना चाहिए, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस इन द कंट्री सिंस 2010। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। इट इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री, मोर देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ 5 लाख लोग सिर्फ लास्ट ईयर में रजिस्टर कर चुके हैं इन द अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल। अब बेसिकली कई लोग मेरे को बोलते हैं यार ये बोलना आसान है, जैसे आज बता दिया यहां बाय कर लेना चाहिए था, वहां खरीद लेना चाहिए था, कभी किया है? तो आप में से कई लोगों को ये डाउट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार, इनफैक्ट 24 मार्च 2020 में जितने भी लोग हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स थे उनको 24 मार्च को वीडियो गई कि हम यहां पे जान लगा रहे हैं कोविड वाले दिन, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द कोर्स। और तब निफ्टी 7800 पे चल रही थी और आज निफ्टी वहां से डबल से 100% से भी ज्यादा हो चुकी है। अब हमने कैसे बताया, ये वीडियो आपको आज भी देखनी चाहिए। सिर्फ 2020 में एक बार बता दिया ऐसा नहीं है, 2012 जून में भी बताया है कोल इंडिया के आईपीओ के बाद, 2008 में भी बताया है, और ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड मॉड्यूल में आप क्या सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। मैं हर महीने कितने रुपए डालूं कि बच्चे की एजुकेशन सिक्योर हो जाए, हर महीने कितने रुपए डालूं कि मेरा रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए, हर महीने कितने की मैरिज सिक्योर, टैक्स प्लानिंग सिक्योर, इंश्योरेंस सिक्योर। पहले ये लाइफ के इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बकेट्स भरनी है, जब आप ये इंपॉर्टेंट बकेट्स भर देंगे उसके बाद आपको मनी मल्टीप्लायर मॉडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, वो सिखाया जाएगा। तो ठाकुर सर ने बोला था उनकी एज 70 है, चाहे आपकी एज 50 हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, ये उन सब लोगों के लिए है जिनके पास एक कॉर्पस आ गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी में हमको बुलाया जाता है कि बताओ भाई फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, हमने बहुत साल काम कर लिया, हमको एक कॉर्पस मिला। तो मान लेते हैं रिटायरमेंट पे आर्मी में जो हम सेशन करते हैं वहां पे किसी ने मुझे बोला कि मैं रिटायर हो गया, चाहे मैं 50 का हूं, 60 का हूं, 70 का हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, तो सारे 40, 50, 60 वाले एकदम कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, 1 करोड़ का कॉर्पस है। तो उन्होंने बोला मैं इसको कैसे मैनेज करूं, तो मैंने बोला सर इसके 2 टुकड़े करने हैं, एक पैसा रखना है सिक्योर,
ताकि आपके महीने का महीना खर्चा हम निकाल सके। मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए, नॉर्थ कोरिया और पुतिन वाले का मूड खराब भी हो जाए, तो भी आपको फर्क ना पड़े। और दूसरा हिस्से से हम क्या करना है, ग्रो करना है। तो कैसे हिसाब लगाएंगे, मैंने आपको पूछा सर, ठाकुर सर को पूछा कि सर आपको हर महीने कितने रुपए चाहिए, तो सर ने बोला 40,000 पर मंथ मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे खर्चे चलते रहेंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया कि उनको कितना पैसा सिक्योर फंड्स में डाल देना चाहिए, मतलब बैंक जैसी जगह पे या डेट फंड्स में, ताकि हर महीने वो 40,000 पर मंथ निकाल सके फॉर 12 years। आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैंने 12 साल क्यों किया, ताकि अगर बीच में मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो आपके घर लंबे समय तक खर्चों में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय में तो नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। तो 1 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपए हमने कहां रख दिए, डेट फंड में रख दिए, और वहां से क्या चालू करी, SWP, नोट करिए, ये सब सीखना है आपको, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाएंगे। मतलब हर महीने 40 लाख में से 40,000 मेरे अकाउंट में घर आते जाए, मैं अपना खर्चा करते रहूं, बाकी मेरे पास ठाकुर सर के पास बच गए 60 लाख रुपीज। 60 लाख, उन्होंने बोला वरुण ये तो मेरे को 12 साल नहीं चाहिए, ये ऊपर नीचे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये 60 लाख उन्होंने निफ्टी जैसी जगह पे या ग्रेट स्टॉक्स में वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, अभी के लिए मानते हैं निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया, उस पे 15% का रिटर्न भी मिल गया 12 साल के लिए, तो ये 60 लाख बन जाता है 3 करोड़। फिर ठाकुर सर क्या करेंगे, ये 70 से 82 का हो गया, 82 में 3 करोड़ रुपए, या 60 से 72 का हो गया, या कईयों के लिए 40 से 52 का हो गया। फिर जब आप 52 के होंगे, फिर से आप अपने पैसे को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसमें से 3 करोड़ में से कुछ हिस्सा कहां रख देंगे, सिक्योर कर देंगे, ताकि महीने का खर्चा चलते रहे। मान लेते हैं खर्चा डबल हो गया, तो 40,000 में हो रहा था, अब 80,000 पर मंथ में होगा, तो पहले 40 लाख में बन जाता था, अब 80 लाख रुपीज रखने पड़ेंगे सिक्योर फंड्स में, और 2.2 करोड़ ये आपको 12 साल नहीं चाहिए तो फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। ये 2.2 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो 15% के हिसाब से 12 साल बाद ये करीब करीब 13 करोड़ रुपए बन जाते हैं, 12 करोड़ रुपए बन जाते हैं। फिर इस 12 करोड़ के फिर से दो हिस्से करेंगे। तो मैं सबको समझा रहा हूं, आप 40, 50, 60, 70 वालों में इनको इस ढंग से ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, आपका महीने का खर्चा भी आते रहेगा और आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल के बाद बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि अब मुझे अपने बैंकर से ज्यादा आता है, मुझे अपने एडवाइजर से ज्यादा आता है, और उनसे बात करके मैं पता कर पाती हूं इस केस में कि वो मेरे से कैसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे मनी को मैनेज करने का, और मैं 5% में साल का कम कर पाई, विच इटसेल्फ कंपनसेट्स द कोर्स फी। थर्ड मॉड्यूल में आप सीखेंगे, भाई पहले तो हमने क्या सीखा, निफ्टी को कैसे बाय सेल करेंगे, फिर आप बोलेंगे सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वरुण। तो क्या होता है, मार्केट कोलैप्स होती है, तो जब कोलैप्स होती है तो सरकार इंटरेस्ट रेट नीचे करती है, क्यों नीचे करती है, ताकि इकोनॉमी रिकवर करे। तो लेकिन जब बूम आता है तो सबसे पहले रिकवरी कहां पे होगी, बैंक्स में होगी, क्योंकि जब तक लोग बैंक से लोन लेंगे नहीं तब तक खर्चा करेंगे नहीं। तो इस बार निफ्टी में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, या ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है इस फेज में, या रियलिटी के स्टॉक्स में, क्योंकि लोन लेके लोग क्या खरीदेंगे, गाड़ी और घर। सेकेंड फेज में आपको इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में, यानी इंजीनियरिंग कंपनीज में, कैपिटल गुड्स में, क्योंकि जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो सरकार इंफ्रा पे फोकस करती है, जब इंफ्रा पीक पे चलता है तो कमोडिटी के जो स्टॉक्स होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि इंफ्रा के अंदर सीमेंट स्टील जो लगेगा, तो अब आपको कमोडिटी में शिफ्ट करना चाहिए। और जब कमोडिटी के स्टॉक्स बहुत बढ़ जाते हैं, उसके बाद एक सेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं डिफेंसिव, यानी FMCG में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे फार्मा में करना चाहिए, IT में करना चाहिए, कई लोग गोल्ड में करते हैं, मतलब जब मार्केट कोलैप्स हो रही है तो ये आपको बचा लेते हैं। तो आपको ये सेक्टर रोटेशन भी सीखने को मिलेगा, सिर्फ सेक्टर नहीं, हाउस को कैसे वैल्यू करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, गोल्ड में करना चाहिए या गोल्ड को नहीं रखूं ये भी सीखने को मिलेगा, बिटकॉइन जैसी चीज अगर कोई आ जाती है इसमें क्या गड़बड़ है बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। तो अब लोग बोलते हैं क्या तुम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्ट सिखाते हो, तो हम बहुत सारा सिखाते हैं और बार बार बोलते हैं ये वाला अधिकतर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया जाएगा कि आप फाइनली इन सब चीजों में जीरो क्यों हो जाएंगे। अब उसके बाद कई लोग बोलते हैं कभी सेक्टर बताया है,
तो हम जैसे बोलते हैं सेक्टर रोटेशन के अपडेट आते रहते हैं आपके कोर्स के अंदर, आप करेंगे फिर आपको उस टाइम पे कभी बताया जाएगा 2012 में कि बैंक इंडेक्स बहुत सस्ता लगता है, कैसे, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द कोर्स, 2016 में एनर्जी स्टॉक, 2017 में आईटी, फिर मई 2020 में कोविड के बाद हमने फिर से आईटी के बारे में बात करी, फिर दिसंबर 2020 में हमने बात करी इंफ्रा और मेटल स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज टुडे हम बता रहे हैं कि आपको इंफ्रा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सेक्टर रोटेशन के अपडेट भी आते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था 24 मार्च 2020 को तो हमने बताया ही था जब मार्केट 7800 पे निफ्टी थी कि क्यों बाय करना चाहिए, उसी तरीके से 2012 में भी हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट को हमने मैसेज भेजा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स अगेन, ये 2010 कोल इंडिया आईपीओ के बाद था, दो साल बाद निफ्टी, जूनियर निफ्टी, बैंक, इंफ्रा, ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताया। तो पहले तीन मॉड्यूल, बाय लो से हाई कैसे करें, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, सेक्टर्स में पैसा कैसे रोटेट करें, ये सीखा। फोर्थ मॉड्यूल आपको बताएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो हमारी खुद की थ्योरी है, तो अधिकतर पूरा का पूरा कोर्स कॉपीराइट मटेरियल है, ये सारी जो आइडियाज है ना किसी बुक में लिखी गई है ना कहीं शेयर की है, ये हमारे व्यूज है कि हम कैसे पता करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉपीराइट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो आपको ये बताएगी कि अगर आप 24 मार्च को बाय नहीं कर पाए जब मैंने बोला, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 साल बैठे रहेंगे, आपको बीच में एंटर करना सीखना पड़ेगा। अगर यहां बाय नहीं किया तो सेकेंड बेस्ट प्लेस कौन सी है बाय करने की, वो आपको सिखाएगा। फिर वैसे ही अगर आप पीक पे सेल नहीं कर पाए तो सेकेंड बेस्ट जगह कौन सी है सेल करने की, वो आपको बताएगा। ये एक एडवांस थ्योरी है बाय लो सेल हाई करने की, इंस्पायर्ड बाय डाउ थ्योरी ये, एंड इट हैज बीन एबल टू डू बेटर देन द निफ्टी इंडेक्स फंड। और याद रखिए कोर्स में सिर्फ ये नहीं है कि आपने सीख लिया, आपको पूरा एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा, मतलब मैं इस एज ब्रैकेट में हूं, मेरे गोल्स कब कब आ रहे हैं, इसके लिए मुझे पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर आप फाइनेंशियल प्लान अपने लिए बनाएंगे। और अगर आपको लगे मुश्किल कि मेरे से नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है कि मैंने जो प्लान बनाया सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपकी हमसे 1-to-1 मीटिंग भी होती है, उसके लिए आपके हमारे साथ 4 लाइव सेशन भी होते हैं। और याद रखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या बताएंगे आपको, कि कोई भी आपको पूछे कि बताओ फिर आज मुझे कहां इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या, तो आप पूछेंगे फॉर व्हाट, पैसा किसके लिए, क्या वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए बात कर रहे हैं, क्या लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, क्या 5 साल के अंदर है ये, क्या 5 से 10 साल में चाहिए, क्या ये 10 साल से ऊपर चाहिए, तो ऐसे पूरा टेबल बना हुआ है। और ये देख के आप बताएंगे कि इसके लिए मुझे यहां इन्वेस्ट करना है आज, इसके लिए यहां इन्वेस्ट करना है। तो इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स जो बताएगा कि सीखने के बाद इंप्लीमेंट कैसे करें। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था 2020 मार्च में तो हमने बताया ही बाय करना है, 2012 में भी बताया, 2008 जब लीमन क्राइसिस हुआ था तब मैं आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट था, तो मैंने अपने भाई को अक्टूबर 2008 में ईमेल किया था कि सेंसेक्स बिलो 8000 सीम्स आई एम द ओनली वन हु इज बाइंग, तो बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल कर रहे थे। और वी हैव मोर देन 2000 रिव्यूज नाउ, याद रखिए मोर देन 2000 रिव्यूज विद अ रेटिंग ऑफ 4.8, वी हैव मोर देन 700 रिव्यूज ऑन गूगल प्ले स्टोर, वी हैव मोर देन 1100 रिव्यूज ऑन गूगल रिव्यूज में, आपके पास 1100 से ज्यादा हमारे पास रिव्यूज है, वी हैव मोर देन 150 फेसबुक रिव्यूज, वी हैव मोर देन 50 ट्रस्ट पायलट रिव्यूज, तो हमारे पास करीब 2000 रिव्यूज हैं जो आपको बताएं कि वरुण का इस केस में जो यूनिक है डाउ थ्योरी के ऊपर, उसको देख के मैं 3-4 महीने में कैसे अपना पोर्टफोलियो चेंज करता हूं, एंड हाउ इट सेव्स माय टाइम एंड दिस इटसेल्फ कंपनसेट्स द फीस दैट आई पेड फॉर द कोर्स। फिफ्थ और स्किल में आप सीखेंगे ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है। हमने बोला बहुत हो गया निफ्टी, बहुत हो गया सेक्टर्स, अब आते हैं वॉरेन बफेट कैसे पता करते हैं ग्रेट कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो वो क्या बोलते हैं, हम ऐसी कंपनीज बाय करते हैं जिसमें कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है। तो कैसे पता करें कि किस कंपनी में ड्यूरेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, उसके लिए स्क्रीन कैसे किया जाए आपको सिखाया जाएगा। तो पहले बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे आप, उसको समझेंगे, बहुत सिंपल होता है। फिर आप रेशियोज समझेंगे, रेशियोज मतलब फ्री कैश फ्लो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर डेट बाय इक्विटी, प्राइस बाय बुक वैल्यू, पी बाय ई या पेग रेशियो या कंपनी की मैनेजमेंट, ये देख के आप पता करेंगे कि कंपनी ग्रेट कंपनी है या बैड कंपनी है। फिर पता करने के बाद आप कंपनी को वैल्यू करना सीखेंगे। याद रखिए, जैसे हम बताते हैं, इन पैरामीटर्स को पहले सीखने के बाद आपको समझ पड़ेगा कि एशियन पेंट्स भी ग्रेट है और आईटीसी भी ग्रेट है। लेकिन आज एशियन पेंट्स बढ़ के बहुत महंगा हो गया और इस प्राइस पे हम नहीं खरीदेंगे, और आईटीसी शायद बहुत सस्ता हो गया है इसलिए खरीदेंगे। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सीख लिया, आप सीख के वैल्यू तक कर पाएंगे। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं बताने में, कोई एमबीए स्टूडेंट, सीएफए स्टूडेंट नहीं वैल्यू कर सकता, और हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट वैल्यू कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जो बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट के गुरु थे, उन्होंने चालू किया था। तो ये बेसिकली आपके तरीके हैं पहले 5 मॉड्यूल में। फिर आपको लगेगा इसमें तो बहुत मैथ्स करना पड़ेगा, नहीं। द यंगेस्ट पर्सन हु हैज डन अवर कोर्स इज अ 11 ईयर ओल्ड क्रिश एंड द ओल्डेस्ट पर्सन इज अ 88 ईयर ओल्ड। तो 5वीं का मैथमेटिक्स यूज करना होता है, जो आप पूरे कोर्स में डिटेल में सीख जाएंगे, लाइव सेशंस करेंगे, 1-to-1 मीटिंग करेंगे। और उसके बाद कई लोग बोलते हैं ऑप्शंस क्या है, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या है, ये सिखाया जाएगा। इसको कैसे राइट तरीके से यूज करना है, कई लोग यूज करते हैं गैम्बल करने के लिए, हम कभी आपको गैम्बलिंग नहीं सिखाएंगे। हम बताएंगे हेजिंग कैसे करते हैं, रिस्क कैसे रिड्यूस करते हैं, रेगुलर कैश फ्लो कैसे जनरेट करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस तक सिखाएंगे कोर्स में। जैसे टीवी पे बताया जाता है चार्ट्स को देख के, बाय हियर, टारगेट ये, सपोर्ट ये, स्टॉप लॉस ये, आप भी ये सब कर पाएंगे। आपको चार्ट्स रीड करना भी आएगा, आप भी बोलेंगे बाय हियर, टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आप भी बेसिकली इंडिकेटर्स पढ़ पाएंगे। लेकिन याद रखिए, एक पढ़ाई होती है टेक्निकल एनालिसिस और एक पढ़ाई होती है फंडामेंटल एनालिसिस। चार्ट्स को रीड करने को बोलते हैं टेक्निकल, और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल को समझने को बोलते हैं फंडामेंटल। तो हमेशा बोलते हैं टेक्निकल थोड़ा सा इंफीरियर होता है, नीचे का कोर्स होता है एज कंपेयर टू फंडामेंटल। तो बहुत लोग बोलते हैं वरुण को शायद टेक्निकल ठीक से आता नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एलमनस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एलमनस ऑफ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए, आई हैव डन 2 कोर्सेज सीएफए एंड सीएमटी। टेक्निकल एनालिसिस की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई का गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में है सीएमटी। इट्स अ 2-3 लेवल कोर्स, टेक्स अबाउट 2-3 इयर्स टू कंप्लीट, एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएमटी। फंडामेंटल एनालिसिस की जो पढ़ाई है, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए, अगेन अ 3 लेवल कोर्स, टेक्स अबाउट 2-3 इयर्स टू कंप्लीट, अ यूएस बॉडी कंडक्ट दिस कोर्स, एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएफए एज वेल। फिर आप डेट फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, ये भी सीखेंगे, क्योंकि देखिए हर एक आदमी के पास जो सरप्लस पैसा है उसको कहीं पार्क करना है। तो डेट फंड में कैसे पार्क करें, कौन सा डेट फंड चूज करें, ये सब डिटेल में सीखेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल कैसे करूं, उसके ऊपर भी एक छोटा सा मॉड्यूल है। अगर आपको बाय सेल करना भी नहीं आता तो वहां से आपको बताया जाएगा। जो सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक छोटा सा मॉड्यूल छोड़ सकते हैं। अब ये सब मिला के हमारे पूरे 9 मॉड्यूल्स बनते हैं, जो 36 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट है विद 2022 अपडेट्स, प्लस 4 लाइव सेशंस जिसमें मैं आऊंगा, 4 लाइव सेशंस में, प्लस 1-to-1 मीटिंग। ये आज से कुछ साल पहले मैं ये कोर्स 1-to-1 करता था, और जब मैं 1-to-1 करता था तो सेम कोर्स की फी होती थी 1,75,000। फिर ये कोर्सेज हमने करना बंद कर दिया, हमने बड़े बड़े बैचेस बनाए, ऑफलाइन क्लासरूम सेशंस होते थे, 4 सिटीज में लगातार चलता था। संडेज को आपका दिल्ली में होता था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, सैटरडेज को आपका गुड़गांव में होता था, वेडनेसडेज को आपका लुधियाना में होता था, और फ्राइडे को कोलकाता में होता था। 4 सिटीज में लगातार चलता था, हर सिटी में एक हफ्ते में ट्रैवल करता था, और एक बैच में 120-130 लोग होते थे एक ऑफलाइन सेशन के लाइव सेशन में। फिर ये कोर्स की फी होती थी तब 59,000, जो मैं बात कर रहा हूं जस्ट बिफोर कोविड, मार्च 2020 की बात कर रहा हूं। उसके बाद द कोर्स वेंट कंप्लीटली ऑनलाइन, और क्योंकि जब वो रिकॉर्डेड हुआ तो
तो द कोर्स बिकेम एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड नाउ यू कैन गेट द सेम कोर्स फॉर विच पीपल वर पेइंग 1,75,000 एंड 59,000 जस्ट बिफोर कोविड. यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 19,999. बट दिस इज नॉट ऑल. जस्ट टू मेक दिस वेबिनार एब्सोल्युटली स्पेशल, जब आप इस वेबिनार के अंदर ये कोर्स लेते हैं, यू गेट दिस कोर्स फॉर अनदर 5,000 रुपी डिस्काउंट एंड टुडे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 14,999. दिस इज नॉट ऑल. जब आप आज सेशन में लेते हैं, यू गेट 7 बोनसेस जिससे आप कोर्स को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पहला, यू आर एलिजिबल टू बुक अ 1-to-1 मीटिंग विद मी. आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं. तो जो आज वेबिनार के अंदर सेशन लेते हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना कर पाए उसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं अगर आपको लगे कि मुझे कंफ्यूजन है. लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप फ्री मिलेगी आपको व्हेन यू रजिस्टर टुडे. यानी कि जब आप कोर्स खत्म भी कर लेंगे उसके बाद मुझे अगर कभी बताना हो कि मेरे को लगता है 24 मार्च 2020 को बाय करना है, तो हम आपको ग्रुप्स में डाल के ये मैसेज देते हैं. उसके लिए आपको ग्रुप्स में होना पड़ेगा हमारे. एंड व्हेन यू रजिस्टर टुडे यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर लाइफ. क्वेश्चन आंसर का पूछने का पूरा फोरम है. हाउ टू चूज परफेक्ट डीमैट अकाउंट का आर्टिकल है ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें अकाउंट खोलने में. फॉलोअप ईमेल्स इफ यू मिस अ सेशन, पीडीएफ बुक्स, डेटा शीट्स फॉर कैलकुलेशंस, लिस्ट ऑफ टॉप 10 इन्वेस्टिंग बुक्स जो आपको कोर्स करने के बाद पढ़ के और ज्यादा समझ पड़ेगा कि मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं. एटलीस्ट इसमें से मैं बोलता हूं 2 बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है. आप आराम से इंप्लीमेंट कर देते हैं कोर्स को. अब कई लोग बोलते हैं चलो मैं कोर्स कर लूंगा, मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर दूंगा, बट मैं ये कैसे पता करूं कोर्स की वैल्यू कितनी है. तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोर्स करना आपके लिए क्यों सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है. पहले तो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम कम है, मुझे बिजनेस का काम है, मुझे ऑफिस का काम है, मुझे दूसरे काम है. तो पहले समझिए ऐसे कितने हजारों लोग हैं अमेरिका में जिन्होंने 30 की एज में 40 की एज में बहुत पैसा कमाया लेकिन 60 की एज तक बैंकरप्ट हो गए बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू मैनेज मनी. इसलिए आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो करने से पहली कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए मनी मैनेजमेंट कैसे सीखना है, जो ये कोर्स डिटेल में बताता है. अब आपको समझना है कि अगर आप ये कोर्स नहीं करते तो किसी और से आप पैसा मैनेज कराएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मैनेज कराएंगे, किसी एडवाइजर से कराएंगे, किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से करेंगे, किसी फंड मैनेजर से पैसा कराएंगे. और जब आप इन लोगों से पैसा मैनेज कराते हैं तो द चार्जेस दैट यू पे कैन बी एज लो, मतलब लोएस्ट में भी 2% पर एनम आपका पैसा चले जाएगा. बट जब आप ये खुद करना सीखेंगे तो यू कैन ब्रिंग दिस कॉस्ट टू 0.2% और 0.1% पर एनम. अब ध्यान से देखिए, अगर आपने आज आप 30 साल के हैं, 60 की एज तक हर महीने आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 15% पे किए 30 साल के लिए, तो ये बन गया 6.92 करोड़. अब आप में से कई लोग क्या बोलेंगे, अरे 1.8 करोड़ बचा, 1.8% बचा के क्या होगा. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं अगर आपने ये 1.8% नहीं बचाया तो रिटायरमेंट में 6.92 करोड़, अगर ये 13.2% पे बढ़ते हैं क्योंकि आप किसी को चार्ज पे करते हैं, तो ये पैसा 4.57 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपया कम हो जाता है बिकॉज यू डिडंट नो हाउ टू मैनेज योर ओन मनी. दूसरा, आज हमने क्या सीखा, बाय लो सेल हाई के बारे में भी सीखा. तो बाय लो सेल हाई अगर आप करना सीख जाएं और 1% से भी बीट कर दें, आज तो हमने देखा कुछ ज्यादा ही टाइम से हमने इंडेक्स को बीट कर दिया. मैंने बोला सर आप 1% नहीं, आप 2% से भी इंडेक्स को बीट करें और यह 15% 17% हो जाए तो यह 6.92 करोड़ 11 करोड़ रुपए बन जाता है. तो लर्निंग हाउ टू बीट द इंडेक्स जो आप कोर्स में सीखेंगे. तीसरा, कई लोग बोलते हैं मैं खुद क्यों नहीं सीखूं, तो बहुत एडवांटेज होते हैं खुद सीखने के. लेकिन इतने सालों बाद मुझे समझ पड़ता है अगर मुझे यंग एज में किसी ने बता दिया होता कि कैसे स्टार्ट करना है और मैं जल्दी स्टार्ट कर लेता तो बहुत फायदा हो जाता है. ये देखिए 30 इयर्स में करते तो कितना पैसा इकट्ठा होता, 6.92 करोड़. अगर 5 साल खुद सीखने में लग गए और 25 साल ही इन्वेस्ट कर पाए तो पैसा कितना बन जाता है, 3.24 करोड़, यानी 50% से ज्यादा आपका पैसा वेस्ट हो जाता है बिकॉज यू ट्राई टू लर्न ऑन योर ओन और आपने लर्निंग कर्व अपना फास्ट नहीं किया. और पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है वो कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो कोर्स का मिशन, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, इंप्लीमेंटिंग बाय लो सेल हाई, ट्राइंग टू बीट द इंडेक्स बाय फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, और अपना पूरा डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान ही बना लेना.
आप सब अपना प्लान बना लेंगे, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, इतना पैसे से मैं वेल्थ मैक्सिमाइज करूंगा, इतने पैसे से मैं लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करूंगा, इतना पैसा मेरे को इमरजेंसी फंड में डालना है, इतना पैसा मेरे को इस जगह अलग से पार्क करना है। ये पूरा डिटेल में आप सीखेंगे और ये पूरा कोर्स विद 9 मॉड्यूल्स, 36 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट प्लस 7 आवर्स 7 बोनसेस आज आपको 14,999 में मिलता है, जिसके लिए लोग कोविड से पहले 59,000 और 1,75,000 पे कर रहे थे। बट दिस इज नॉट ऑल, जस्ट टू मेक दिस वेबिनार एब्सोल्युटली स्पेशल, जो फर्स्ट 60 एनरोलमेंट आती हैं ड्यूरिंग द वेबिनार उनको बेसिकली हम कुछ और देते हैं। पहला 1-to-1 मीटिंग जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए होती है, यू गेट अ 90% ऑफ व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स ड्यूरिंग दिस सेशन, ड्यूरिंग दिस वेबिनार। तो ये मीटिंग आपको 500 रुपीज पे मिलती है, विच इज नियरली फ्री। यू गेट फ्री ऑन कॉल सपोर्ट, आपको हमारी टीम से कभी कुछ पूछना हो तो वो सपोर्ट मिलता है। ये कोर्स जनरली 6 महीने के लिए वैलिड होता है, बट जब आप आज लेते हैं तो यू गेट एक्स्ट्रा 6 मंथ वैलिडिटी, मतलब 12 महीने के लिए कोर्स वैलिड होगा। अनलिमिटेड व्यूज, अनरिस्ट्रिक्टेड व्यूज, उसके बाद भी आप एक नॉमिनल चार्ज देके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वो 12 महीने बाद। उसके बाद ये आज जब आप रजिस्टर करते हैं तो यू कैन ऑल्सो मेक पेमेंट्स इन ईएमआईज एंड द ईएमआईज कैन बी एज लो एज 700-800 रुपीज। एंड लास्ट बट नॉट द इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच मेक्स दिस ऑफर एब्सोल्युटली रिस्क फ्री इज अ 7-day 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो हिडन चार्जेस। यानी आप करने के बाद जब रजिस्टर करेंगे और पहले 7 दिन में आप जब पहले 8-10 घंटे का मटेरियल देखेंगे और आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है तो देर आर कंप्लीट मनी बैक, क्योंकि हम ये 11 साल से करा रहे हैं और हमको पता है कि आप जब ये करेंगे तो आप बताएंगे मैं अपनी फैमिली को कैसे कराऊं, बच्चों को कैसे कराऊं। एक एक फैमिली से 16-16 लोग सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। Now, since you get enormous offers during this webinar, I'm sure each one of you would like to register for this program during this webinar. So, कैसे register करना है? उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपका जो chat box है, उसके ऊपर एक cream color में message दिया हुआ है। तो वो cream color में अगर आप देखें ऊपर varunmalhotra.co.in/webinar-offers ये link दिया हुआ है। तो यहां से देखने की जरूरत नहीं है, आपका जो चैट बॉक्स है ऊपर क्रीम कलर है वहां पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उसी पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपका जो चैट बॉक्स है उसमें लास्ट मैसेज जो है हमारी टीम की तरफ से आया है वहां पर भी ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक याद भी कर लीजिए, varunmalhotra.co.in/webinar-offers। ये लिंक आप याद भी कर लीजिए, आप अभी तो इस पे डायरेक्टली क्लिक करके आप जा सकते हैं। तीसरा तरीका, आपका जो चैट बॉक्स है उसके साइड पे एक ऑफर सेक्शन है, वहां पे एक रेड डॉट आ गया है तो आप ऑफर सेक्शन पे भी रेड डॉट पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से भी लिंक पे जा सकते हैं। और चौथा, आप ब्राउजर पे जाइए अपने क्रोम पे या एक्सप्लोरर पे और वहां पे आप varunmalhotra.co.in/webinar-offers खुद भी लिखेंगे तो आप इसी पेज पे पहुंच जाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे आसान तरीका, आपका जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर क्रीम कलर में एक स्टिकी मैसेज दिया हुआ है वहां पर बेसिकली आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। आपका चैट बॉक्स है लास्ट मैसेज हमारी टीम की तरफ से है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। या आपके चैट बॉक्स में एक रेड कलर का ऑफर सेक्शन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, चैट के रेड कलर का डॉट बना हुआ है ऑफर्स पे, वहां पे क्लिक कर सकते हैं या ब्राउजर पे जाकर भी आप कर सकते हैं। वंस यू डू दैट तो वो आपको आपका ईमेल पूछेगा, वो आपको आपका फोन नंबर पूछेगा। वंस यू एंटर दैट फिर वो आपको पूछेगा पेमेंट कैसे करेंगे, वहां पे वो ईएमआई का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप चार्जेस देख सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड या एचडीएफसी डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप बेसिकली वहां उस पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। वंस यू डू दैट विद इन 15-30 मिनट्स आपको हमारी टीम की तरफ से ईमेल मिलेगा ऑन हाउ टू एक्सेस द कोर्स, यानी कोर्स कैसे आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोर्स 3 जगहों पर एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं और आपको लगता है आपको आपके टैब पे देखना है, या लगता है आपको कि मुझे, थैंक यू जितेंद्र कुमार सर, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, या आपको लगता है मुझे अपना कोई एंड्रॉइड का टैब है या फोन पे ट्रैवल करते हुए देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आप आईओएस यूजर हैं, आईपैड आईफोन पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
अगर आप विंडोज पे देखना चाहते हैं मतलब डेस्कटॉप पे या आप अपने लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैक ओएस अभी हम सपोर्ट नहीं करते, उसके अलावा आप कोई भी सिस्टम पे किसी एक सिस्टम पे ये देखना स्टार्ट कर सकते हैं आज से विद इन नेक्स्ट 15 to 30 मिनट्स। और अगले सेशन तक, अगले संडे तक आपको क्या करना है, अगले संडे तक आपको ये रखना है कि भाई मुझे अपना प्लान बना के SIPs अगर तो इंपॉर्टेंट गोल स्टार्ट कर लीजिए। फिर 1-1.5-2 महीने बाद आपके लाइव सेशन होंगे, उस लाइव सेशन में हम मिलेंगे और इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो जब तक लाइव सेशन हो तब तक आपको क्या कोशिश करनी है, तब तक आपको कोर्स का 50% पार्ट कवर कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्योंकि एक टाइम पे पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, अमित सर आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो कई बार आपका नाम फ्लैश ना हो रहा हो तो डोंट वरी, इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम। अगर आपका नाम फ्लैश नहीं भी हो रहा तो आपकी जैसे ही पेमेंट आती है आपको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता है, विनोद सर थैंक यू सो मच। तो बेसिकली अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट कई बार होती है तो गेटवे में प्रॉब्लम आती है, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, आगे भी ये नंबर स्क्रीन पे रहेगा, आप वहां पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और उनको बोल सकते हैं मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं बट पेमेंट पास थ्रू नहीं हो रही, बस वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सो दैट यू गेट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द सेशन टुडे। अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन क्या है, मुझे निफ्टी खरीदना कैसे। अब निफ्टी कैसे खरीदना है, तो निफ्टी खरीदने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो निफ्टी खरीदने के बहुत सारे तरीके तो हैं, लेकिन कई लोगों ने हमें क्या बोला, बहुत क्रिटिसाइज किया कि तुम सबको बोलते हो निफ्टी ले लो निफ्टी ले लो, तो तुम निफ्टी खुद क्यों नहीं लेते। तो पहले तो आपको क्या सोचना चाहिए, मेरे जैसे लोग हो सकता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम निफ्टी में ज्यादा नहीं करते। लेकिन बहुत लोगों ने बोलना चालू किया कि वरुण जब खुद नहीं करता तो हम क्यों करें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अकाउंट में निफ्टी में इन्वेस्ट करना चालू किया और इतना ही बड़ा अमाउंट किया कि देख मैं आपको दिखा सकूं। अब वो बड़े अमाउंट का प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बहुत बड़ा अमाउंट दिखाऊं तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं बहुत कम अमाउंट दिखाऊं तो आप सीरियस नहीं होते। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं मेरे अकाउंट में लॉगिन करके उसमें कितना निफ्टी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। बट पहला क्वेश्चन आप सबका क्या है, आपका क्वेश्चन तो यही है वरुण निफ्टी खरीदना कैसे। तो ध्यान से देखिए, निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, आप इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी इंडेक्स को बाय करने के बहुत सारे फंड आते हैं जिसको बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड। ऐसा फंड जो आपसे पैसा लेता है और आपके पैसे को अलग अलग निफ्टी के 50 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेम रेशियो में सेम वेटेज में, आपको कुछ नहीं करना, सेम स्टॉक सेम वेटेज में हो गया। निफ्टी इंडेक्स फंड जब आप लेने जाएंगे तो वो आपको पूछेगा आपको ये फंड डायरेक्ट चाहिए या रेगुलर चाहिए। रेगुलर का मतलब हो गया बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व है, तो मैंने आज आपको क्या बताया एजेंट के थ्रू क्यों जाएंगे, क्योंकि बहुत चार्ज लग जाता है और वो चार्ज लगा तो उससे पैसा बहुत कम हो जाता है। तो आपको कौन सा लेना है, डायरेक्ट लेना है। ये मैं अभी अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास कितना निफ्टी पड़ा है, वहां से बाय सेल कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट लेना है। फिर वो आपको पूछेंगे क्या आपको ग्रोथ फंड चाहिए या डिविडेंड पे आउट चाहिए। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि जो आपने वो रीइन्वेस्ट हो जाए, तो डिविडेंड को भी फिर डिविडेंड पे टैक्स भी लगेगा, इसलिए आपको क्या लेना है निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ, ये कहीं याद कर लीजिए। अब ये कहां लेने जाएं, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका है आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के पास चले जाइए। म्यूचुअल फंड हाउस मतलब जैसे UTI म्यूचुअल फंड के पास चले जाइए या HDFC म्यूचुअल फंड के पास चले जाइए या ICICI म्यूचुअल फंड के पास चले जाइए या जैसे मैं लिख रहा था HDFC म्यूचुअल फंड के पास चले जाइए, किसी के पास भी जाइए, लेकिन याद रखिए HDFC बैंक और HDFC म्यूचुअल फंड अलग अलग है, ICICI बैंक और ICICI म्यूचुअल फंड अलग अलग है। अगर आप HDFC और ICICI बैंक चले गए तो वो आपको रेगुलर फंड भेज देंगे क्योंकि वो आप एजेंट बन जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाना है। या तो आप इनके ऑफिस जाइए, इनके ब्रांच पे जाके बोलिए कि मुझे आपकी कंपनी का निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में क्या करनी है, मेरे को इसमें SIP करनी है, या आप इनके वेबसाइट पे चले जाइए, जैसे UTI की साइट जाना है तो UTIMF.com पे चले जाइए, अभी जाके दिखाऊंगा मैं, ICICI PRUAMC.com पे चले जाइए, उधर से भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, HDFC
fund.com पे चले जाइए, वहां से भी ले सकते हैं। और यूटीआई को जाके बोलिए मुझे आपकी कंपनी का क्या दीजिए, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ। आईसीआईसीआई को बोलिए निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ, सेम नाम है, बस आईसीआईसीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड या यूटीआई का। एचडीएफसी को बोलिए मुझे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें नाम बस याद रखिए एचडीएफसी में निफ्टी 50 बोल देते हैं, बाकी सब निफ्टी ही बोलते हैं। इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ का प्लान चाहिए। आप एक है आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाइए, वहां से ले लीजिए, या आप किसी म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर के पास चले जाइए, यानी जैसे अगर आपका कैम्स में अकाउंट है तो वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैम्स में आपने यूटीआई सिलेक्ट किया, यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर लिया, या एचडीएफसी फंड सिलेक्ट किया एचडीएफसी का निफ्टी कर लिया, या एसबीआई का कर लिया। तो पहले तो समझिए वरुण कौन होता है बताने वाला कि मुझे कौन सा फंड खरीदना चाहिए, वरुण को तो कोई कमीशन नहीं मिलती। तो पहले तो याद रखिए आप डायरेक्ट फंड ले रहे हैं तो मेरे कोई कमीशन का सवाल नहीं उठता, लेकिन आप कैसे ढूंढ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर कैम्स एमएफयू पेटीएम कुवेरा ग्रो कोई भी हो आपका, मैं होता तो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू नहीं करता, एमएफयू और कैम से कर लेता। तीसरा तरीका है अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अधिकतर फंड कहां से मिलते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस से। एक्सचेंज पे क्या ट्रेड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ऐसे ईटीएफ भी आते हैं जो आप स्टॉक की तरह मार्केट आवर्स में खरीद सकते हैं, मार्केट आवर्स में बेच सकते हैं। उनका नाम है सबसे पॉपुलर ईटीएफ का निफ्टी 20। अब मैं ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने क्या किया यूटीआई में अकाउंट खोला और वहां पे निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्टली ले लिया। तो अब मैं अपने यूटीआई के अकाउंट पे लॉग इन कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। अब मेरे केस में प्रॉब्लम क्या था, अगर मैं छोटा अमाउंट दिखाता तो आपको सीरियसनेस नहीं दिखती, अगर मैं बड़ा अमाउंट दिखा दूं अपने पोर्टफोलियो में तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक बीच का रास्ता अपनाया, एसआईपी करी लास्ट 4-5 साल में बड़े अमाउंट की, ताकि इतना बड़ा अमाउंट बन जाए कि 1.5-2 करोड़ रुपया हो कि आपको देख के कुछ सीरियसनेस तो लगे। तो अब मैं लॉग इन कर रहा हूं अपने यूटीआई अकाउंट में, यूटीआई में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें, बस एसआईपी किए इतने टाइम में, अपना यहां पे लॉग इन कर रहा हूं और उसमें करके सिर्फ एसआईपी करके, ना टाइमिंग ना कुछ कुछ भी नहीं, मतलब ये भी नहीं सोचा कि आज मार्केट महंगी है कि नहीं, बस महीने के महीने अपने आप इन्वेस्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, अपने आप ऑटो मोड पे डाल दिया है। और उसका कितना रिटर्न मिल गया है, वो कितनी वैल्यू हो गई है, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। तो ये देखिए अभी हम इसमें लॉग इन कर रहे हैं अपने यूटीआई के अकाउंट में, और यहां पे दिखेगा कि हमारे पास कितना निफ्टी पड़ा है और उसका सीएजीआर कितना है। तो जैसे मैंने बोला मैं अधिकतर निफ्टी में नहीं करता, लेकिन मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे आपको विश्वास लाना है कि निफ्टी में करना चाहिए। तो अभी इस फंड में लास्ट 4-5 साल से हमने जो डालना स्टार्ट किया है 1.96 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं। अब 1.96 करोड़ में कुछ हमने पहले डाले थे 73,000, वो आज 5 लाख हो गए हैं, कुछ हमने 1.92 डाले थे वो आज 6 लाख के आसपास हो गए हैं, मतलब 3 गुना हो गए। और ये हमने एसआईपी चालू की है, मतलब हर महीने अमाउंट डालते जा रहे हैं, और डालते 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 आज इसका पैसा कितना बन गया है उस एसआईपी में और क्या सीएजीआर चल रहा है। तो ये देखिए 1.85 जो इसमें ये वाले फोलियो में था उसके अंदर अधिकतर सब कुछ निफ्टी है, कुछ मैंने टैक्स सेविंग के लिए किया होगा ईएलएसएस फंड में, तो आपको ये भी बताया जाएगा टैक्स सेविंग कैसे करते हैं, एनपीएस का कैसे फायदा उठाना है, पीपीएफ करना है कि नहीं, और टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्या राइट तरीका है। और निफ्टी के अंदर मेजर पैसा पड़ा है, इसका सीएजीआर कितना एक बार पढ़ लीजिए 17.73%। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया, बस महीने के महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और पैसा जाते जा रहा है। अगर मुझे कुछ नया ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, ये न्यू ट्रांजेक्शन गए, न्यू ट्रांजेक्शन में या तो लमसम करेंगे या एसआईपी करेंगे। तो मैंने समझिए क्लिक किया और फिर वो बोलेगा बताओ भाई कौन सा फंड खरीदना है, तो कुछ नहीं है, जैसे ही आपका अकाउंट खुलेगा आप एक फोलियो बन जाएगा आपका, मतलब फोलियो मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, उसके अंदर आपने बोला मुझे यूटीआई का निफ्टी चाहिए, तो ये देखिए आपका अपने आप आ जाएगा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। आपने ये सिलेक्ट किया, फिर वो पूछेगा क्या आपको डायरेक्ट चाहिए या रेगुलर, तो बता दीजिए क्या लेने वाले हैं, हम डायरेक्ट लेने वाले हैं।
फिर उसके बाद ग्रोथ प्लान चाहिए या डिविडेंड प्लान चाहिए, तो ग्रोथ प्लान चाहिए। फिर यहाँ पे डायरेक्ट और ये करने के बाद आपने बोला लमसम करना है या SIP करनी है, कितना अमाउंट करना है, डेली करना है या मेरे को वीकली करना है या मंथली करना है, ये दिया हुआ है, कितने इंस्टॉलमेंट करने हैं, सब कुछ दिया हुआ है, बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, अपने आप पैसा जाते जाएगा। ये कोर्स में तो डिटेल में बताया है कि अगर आपको नहीं आता तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, बट आज भी आप हमारी टीम के साथ मांग सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप फाइल आपके साथ शेयर करेगी एंड में कि आप कैसे निफ्टी कैसे बाय कर सकते हैं, तो वो भी करा है, लेकिन जैसे मैंने ये आपको दिखा दिया। इंपॉर्टेंट क्या था, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बस SIP करते जा रहे हैं, ना टाइमिंग किया ना कुछ और किया। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, अपना निफ्टी ले सकते हैं। मैंने UTI दिखाया, आप HDFC फंड पे भी ले सकते हैं, ICICI पे ले सकते हैं, CAMS के अकाउंट में भी ले सकते हैं, कहीं पर भी लीजिए। हमेशा याद रखिए नाम क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं है तो बीच में कोई एजेंट आ गया, दैट्स इट। उसके अलावा आप कहीं से भी ले लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट से ले रहे हैं तो निफ्टी बीज लेना है, लेकिन निफ्टी बीज में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके बाय सेल करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपके अकाउंट में होगा तो कभी मार्केट बढ़ी तो आपने बोला चलो बेच दो, फिर नीचे आ गया तो आपने बोला चलो और बेच दो, तो कभी कभी आप घबरा जाते हैं। तो अरविंदर सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मेरा काम है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूं। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा इफ वी कैन ओपन द चैट बॉक्स सो दैट यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस। तो याद रखिए, जो क्वेश्चन पूछना चाहे पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया उसकी वजह से आज आप स्टार्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में क्वेश्चन रह गया आप इंटेंसिव प्रोग्राम रजिस्टर करके अपना फाइनेंशियल प्लान ना बना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना खुद का बेसिकली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ना कर पाए। तो उसके लिए जितने क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज मेरे को पूछिए। महेश सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो टीम ने ओपन कर दिया है चैट बॉक्स, आप अपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक मेरा काम है आपको रिमाइंड कराना कि आज इंटेंसिव प्रोग्राम में यू नॉट ओनली गेट अ ग्रेट प्राइज, यू ऑल्सो गेट 7 bonuses, यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू 4 live sessions, यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू 1-to-1 meeting। ये आप कभी भी हमारा कोर्स करेंगे तो ऐसा एक्सेस आपको नहीं मिलेगा जो आज आपको वेबिनार के उसमें मिल रहा है। तो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ इट, एंड देर इज 100% मनी बैक गारंटी, आई कैन प्रॉमिस यू, आप मेरा वर्ड ले सकते हैं। एक्सपीरियंस द कोर्स, इफ इन 7 days आपको लगे ये मेरे कोर्स के लिए नहीं है, देर आर एब्सोल्यूटली नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। इफ यू डोंट लाइक द कोर्स, हम आपको कुछ पूछने वाले नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 11 years नाउ। और याद रखिए, मैं तो ये भी बोलता हूं, बहुत लोगों को बोलता हूं और बहुत लोग करते हैं, इसको फैमिली एक्टिविटी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, संडे के संडे, जैसे कई लोगों ने मुझे लिखा था, जैसे हम पहले चंद्रकांता का शो देखते थे वैसे हम ये पूरी वीडियोस देखते हैं एज अ फैमिली, क्योंकि उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं। सबको पता चल जाता है सेविंग कितनी है, क्यों करनी है, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे गोल्स अचीव करने हैं, एवरीवन विल बी एट द सेम पेज। तो रिमेंबर दिस, रजिस्टर करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच। तो मैं आप किसी का नाम देख पा रहा था, सो सॉरी आई कुड नॉट रीड द नेम। अब मेरा काम है क्वेश्चंस को रीड करना। पंकज सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैप बाय GDP, अमरदीप सर का क्वेश्चन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन था किसी का कि सर आज मार्केट हाई है, वरुण आज मार्केट हाई है या लो है, तो आज मुझे क्या बाय करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने आपको बोला सर एक तरीका है पता करने का, मार्केट कैप बाय GDP कितनी चल रही है, करीब 1.1 के आसपास। कैसे कैलकुलेट करी, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमको एक्सेल पे जाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, मैं फास्ट जाऊं, ये मेरे को GDP का डेटा मैं वर्ल्ड बैंक की साइट से लूंगा, मार्केट कैप का डेटा मैं लूंगा बेसिकली आपकी BSE India की साइट से। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप का डेटा क्या है। मार्केट कैप का डेटा देखने के लिए कहां जाते हैं, हम जाएंगे BSEIndia.com पे। तो लिखिए मार्केट कैप ऑफ टॉप 100 कंपनीज BSEIndia, तो उनकी साइट मिल जाएगी। यहां पर हमने बोला मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया, पहली साइट,
ये ऑन द राइट हैंड साइड हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, मेरे को हर कंपनी का नहीं चाहिए, मेरे को टोटल चाहिए, ये टोटल दिया है। टोटल देख पा रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड कंपनीज, तो ये है 267, बहुत ध्यान से सुनिए, 267,88,386, तो इधर नोट कर लेते हैं 267, तो मैं वापस लिख रहा हूं 267, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 88,386, ये किसमें है, करोड़ में, ये हमारे पास करोड़ में डेटा आ गया। अब वर्ल्ड बैंक का डेटा निकालना है हमको, वो जीडीपी का डेटा निकालना है, उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक की साइट पे गए तो यहां पे लिखिया इंडिया वर्ल्ड बैंक जीडीपी 2020-2019, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा की साइट पे जाएंगे, इस पे क्लिक किया। यहां पे जब आपने क्लिक किया, शुभम सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये जीडीपी का डेटा आ गया। अश्वनी सर थैंक यू सो मच, $2.66 trillion में, तो बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, जीडीपी है हमारी $2.66 trillion, लेकिन मेरा ऊपर का जो नंबर है वो किसमें है, करोड़ में है। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, ये 2019-20 की है, मेरे को तो कौन सी चाहिए, मेरे को चाहिए 2020-21 की, जो अभी खत्म हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर, सॉरी 2019-20 की नहीं है, ये है 2020-21 की, और अब मेरे को चाहिए 2021-22 की। इस साल आप इंटरनेट पे डेटा सर्च कर सकते हैं, हमारी जीडीपी करीब करीब 7-8% से 9% से बढ़ने वाली है रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन 5-6% से बढ़ने वाला है, तो 15% से हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने यह तो ये हमारी करीब करीब $3 trillion की जीडीपी हो जाएगी। ये $3 trillion को किसमें करना है, मेरे को रुपीज में करना है, तो रुपीज में करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 75, से मल्टीप्लाई किया तो इतने INR आ गया, इतने ट्रिलियन INR आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रिलियन, इनको बेसिकली हमको करोड़ और लाख करोड़ में करना है, तो ट्रिलियन को बोल सकते हैं आप 225, कहीं नोट कर लीजिए, ये होते हैं लाख करोड़, 1 trillion INR इज 1 lakh crore, 1 trillion INR इज 1 lakh crore, और इसको भी किसमें कर दीजिए, लाख करोड़ में कर दीजिए, तो दिस डिवाइडेड बाय 1 lakh से डिवाइड किया तो आ गया 267 lakh, तो मार्केट कैप है हमारी 267, डिवाइडेड बाय जीडीपी है हमारी 225 lakh crore, तो 1.19 के आसपास है। अब मार्केट ना हॉरिबली एक्सपेंसिव है ना हॉरिबली चीप है, कहीं बीच में है। क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन किसी का था कि आज मार्केट हाई है या लो है, तो बहुत सिंपल है, देखिए आज अगर मेरे पास 10 lakh rupees होते, 1 lakh rupees होते, और ये किसके लिए होते, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब मैंने लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स पहले सिक्योर कर लिए, इमरजेंसी फंड रख लिया, बच्चे की एजुकेशन की SIP कर दी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मेरे पास मान लेते हैं 1 lakh और बचते, तो अगर आज मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 होती तो मैं पूरा वन टाइम इन्वेस्ट कर देता, अगर 1.5 होती तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। तो क्या करेंगे, आज 1 lakh को पूरे के पूरे को डेट फंड में पार्क कर देंगे। डेट फंड क्या होते हैं आप डिटेल में सीखेंगे, क्यों रखना चाहिए डिटेल में सीखेंगे, 1 lakh rupees सेफ पार्क कर देंगे, डेट फंड मतलब स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे नहीं करेगा, लेकिन यहां से आप एक STP बना देंगे। STP मतलब आप चाहते हैं हर महीने यहां से पैसा निकले और निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 1 lakh rupees में से हर लाख पे 1500 rupees, 1500 rupees पर मंथ पर लाख ट्रांसफर करते ही जाएंगे, तो क्या होगा, लाख रुपए डेट फंड में रख दिए और सिस्टमैटिक ट्रांसफर बना दिया, हर महीने इस अकाउंट में से 1500 rupees निकल के इन्वेस्ट होते जाएंगे, और अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.9 के नीचे हो गई तो इस 1500 को डबल कर दीजिए, मतलब ज्यादा फास्ट इन्वेस्ट करिए, अगर 0.75 के नीचे हो गई तो ट्रिपल कर दीजिए। तो मैं वेरी क्विकली जो मैंने बोला मैं रिवाइज कर देता हूं, मेरे पास आज अगर 1 lakh rupees होते
तो 1 लाख रुपए को मैं कहां रख देता, डेट फंड में पार कर देता, और डेट फंड से पार करके एक एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बना देता, 1500 रुपए पर मंथ पर लाख के हिसाब से मैं इसको ट्रांसफर करते रहता। अच्छा, विजय सर का क्वेश्चन है, वी हैव लॉस्ट मनी इन मार्केट नाउ, इवन वी डू नॉट हैव मनी टू परचेज योर प्लान, प्लीज सजेस्ट। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट वाला सिचुएशन है। अब हजारों लोग हैं, हम किसी के लिए स्पेशल प्राइस तो क्रिएट कर नहीं सकते, बट यू कैन ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, यू कैन ऑलवेज डू टू थिंग्स। वन इज ईएमआई, ईएमआईज आर एक्सट्रीमली लो, 700-800 रुपए में आप पर मंथ पे कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन टेक अ 7 डे 100% मनी बैक गारंटी है आपकी। आप कोर्स करिए, अगर आपको लगे वर्थी नहीं है और मेरे पास जितना पैसा उसके साथ, तो मुझे नहीं लगता ये कोर्स करना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऑल राइट, प्रांजल सर का क्वेश्चन है, आई हैव हर्ड दैट निफ्टी एग्जिस्ट इन एफएनओ सेगमेंट एंड इट हैज अ लॉट साइज। नहीं सर, जो प्रांजल सर आप जो बोल रहे हैं वो बेसिकली आप बात कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करने की। हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं निफ्टी मतलब निफ्टी के सारे स्टॉक्स खरीद लेना। आप खुद निफ्टी कैसे खरीदते, निफ्टी के 50 स्टॉक्स आप देखते कौन कौन से हैं और सेम वेटेज में सारे स्टॉक्स खरीद लेते। लेकिन खुद खरीदते तो चेंज करने में क्या होता, बहुत प्रॉब्लम होती है, बाय सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ ले रहे हैं। आपने पैसा इनको दे दिया, ये बाय सेल चेंज करते रहेंगे, और इसके लिए ये जो चार्ज लेंगे वो ले रहे हैं 0.2% पर एनम। जैसे कि आप यहां पे जाइए, जैसे वैल्यू रिसर्च पे जा रहा हूं मैं, तो वैल्यू रिसर्च पे आप चेक भी कर सकते हैं कि मैं वो कौन क्यों लूं जो वरुण बोल रहा है। तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाइए और वहां पे आप खुद डाल दीजिए कोई भी निफ्टी फंड, और वहां पे आप क्या देख सकते हैं, उनकी दो चीजें, एक्सपेंस रेशियो मतलब चार्जेस कितने हैं। तो ये देखिए यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, तो ये यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया। आपको क्या देखने हैं, चार्जेस कम होने चाहिए, और एयूएम, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो आपका बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा फंड हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड हो, एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी हो, आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ दो ही चीजें चेक करनी है, कहीं नोट कर लीजिए, एक एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट और दूसरा एक्सपेंस रेशियो आपको चेक करना है। तो यहां पे जाते हैं हम, यहां पर आए, यहां पर आप नीचे जाएंगे, जैसे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो आप यहां पर आए और यहां पर आपने देखा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.21, और फंड साइज कितना है, 6000 करोड़, ये सबसे बड़ा फंड है। ऑल राइट, डिफरेंस इन सिक्योरिटी फंड एंड ग्रोथ फंड। तो दीपक सर का क्वेश्चन है, सर ग्रोथ फंड में वो है जहां पे आप उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं, वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, और सिक्योर फंड वो है जो आपको महीने के महीने चाहिए। उस दिन जब मार्केट गिर जाए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आज खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मार्केट गिर गई है, तो वो तो पैसा आपका महीने के महीने आना चाहिए। तो सिक्योर फंड्स जो हैं वो डेट फंड्स में होते हैं जहां पे पैसा ऊपर नीचे नहीं करता, और ग्रोथ फंड जो होते हैं वो इक्विटी में मतलब स्टॉक में होते हैं जहां पे पैसा बहुत ऊपर नीचे करता है। आपको यह सीखना है कि सिक्योर कितना रखना है और ग्रोथ में कितना डालना है, ताकि मार्केट ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपके गोल्स में कोई फर्क ना पड़े। आई ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट, इज इट सेफ? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा सर, आपको पहले तो ये समझना है कि ट्रेड क्या होता है मुझे पता नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इन्वेस्टिंग सिर्फ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग ही होती है। आपको समझना है आप ट्रेड क्यों करते हैं, ताकि आपको महीने के महीने साल के साल पैसा मिल जाए। या तो इसके लिए करते हैं, या मैं मजाक में बोल रहा हूं बुरा मत मानिएगा, आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कोई मजा सा आता है कि चलो गोवा जाना महंगा पड़ता है तो घर पे ही बैठ के बाय सेल कर लो। तो आप जब ट्रेड करते हैं तो आप एक्टिव इनकम कमाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको यह समझना है, बड़ा मुश्किल है समझना, सालों बाद ही समझ पड़ता है, पैसा डूबने के बाद ही समझ पड़ता है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव मतलब जिसके लिए आप काम नहीं करते, एक्टिव मतलब जिसके लिए काम करते हैं। तो पढ़ाना मेरा, टीचिंग मेरी एक्टिव इनकम है, और इन्वेस्टिंग मेरी पैसिव इनकम। अब आप में से कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं काम ना करूं, घर पे बाय सेल करके बस बैठ के मैं अपना महीने के महीने पैसा कमा लूं, 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल जाएगा। फाइनली आपको समझ पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट पैसिव के लिए होती है, एक्टिव के लिए नहीं होती। एक्टिव के लिए सुबह उठ के काम करने जाना ही पड़ता है, या बिजनेस करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है। अगर घर बैठ के कोई पैसा कमा सकता होता महीने के महीने, तो प्रधानमंत्री स्किल योजना में ऐड कर देते कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। बट क्या होता है सर,
जब मार्केट बढ़ती है तो सब पैसा बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए नहीं है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉरेन बफेट के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन द टाइड इज अप एवरीबॉडी इज स्विमिंग, व्हेन द टाइड गोज डाउन यू विल अंडरस्टैंड हु वाज स्विमिंग विदाउट द अंडरपैंट्स। बात आता है गड़बड़ क्या है, लेकिन जब पैसा बढ़ रहा होता है तो किसी का ध्यान नहीं जाता। अच्छा, मजे की बात क्या है, जो लोग आपको सिखाते हैं घर बैठ के पैसा कैसे कमाना है, वो भी कोर्स सिखा के ही पैसा कमा रहे हैं। अगर किसी को बाय सेल करके रोज महीने के महीने पैसा कमाना आता तो किसका मन है चार घंटे बैठ के आपको बताए। मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये मेरी एक्टिव इनकम है। बट इज इट सेफ? या रिलेटिवली यस, आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है। विमल सर, सर कोर्स हिंदी में है या इंग्लिश में? तो विमल सर, अभी तक पूरा का पूरा कोर्स हिंदी में ही है मेजरली। कुछ चीजें वर्ड्स नेचुरली इंग्लिश में होंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज किए होंगे, बट अधिकतर कोर्स जो है, जैसे आज का सेशन हुआ वैसा ही है, पूरा हिंदी में है। इसीलिए आज का सेशन भी हमने हिंदी में ही किया था, इंग्लिश में नहीं किया था। वेरी सून वी आर प्लानिंग टू एड सबटाइटल्स, हम सबटाइटल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स। वो अभी हमारा वर्किंग प्रोसेस है, मे बी 1 month 2 months, आई एम स्टिल नॉट श्योर, वो हमारा वर्किंग प्रोसेस है। कैफ सर का आंसर हम दे चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैप जीडीपी। अभी यूफोरिया हाई है कि नहीं, तो जैसे मैंने बोला हम 1.2 पे है, तो थोड़ा ऑन द हायर साइड है, लेकिन यूफोरिया में नहीं है। यूफोरिया कब होगा, समझिए मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 हो गई और एलआईसी का आईपीओ भी आ गया, ये बहुत बड़ा साइन होगा कि आपके लिए कि मार्केट यूफोरिया में आ गया। तो मैं टीम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ वी कैन ओपन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट टेकिंग इन मोर क्वेश्चंस। और जब तक हमारी टीम क्वेश्चंस ले रही है, मेरा काम है आपको याद दिलाना कि आपके लिए इंटेंसिव प्रोग्राम क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी कमिटमेंट में आज बिजी हैं, तो मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है। तो अपने आप को कमिट करिए वीडियोस देखने के लिए, कमिट करिए लाइव सेशंस के लिए, कमिट करिए 1-to-1 मीटिंग के लिए, कमिट करिए अपना फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। और ये कोर्स में सिर्फ ये थोड़ी ना है कि आप स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे। कोई आपको पूछेगा रियल एस्टेट में करना चाहिए कि नहीं, घर सस्ता कब होता है, महंगा कब होता है, ये भी वैल्यू करेंगे। तो सोचिए कोर्स की वैल्यू क्या है। आप 50 लाख का कोई घर खरीदने वाला है, अगर आपने ये कोर्स की नॉलेज की वजह से 1% भी घर चीपर खरीद लेते हैं, 1% भी, तो 50 लाख के ऊपर 1% मतलब कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए बच जाएगा, विच इज मल्टीपल टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कोर्स। मतलब मैं तो बोल रहा हूं एक डिसीजन भी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द कोर्स। आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, अगर उसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं तो सोचिए कितना कुछ हो सकता है। आप कोई ऐसी गलती ना कर दे जहां पे आप जीरो हो जाएं, उसकी वैल्यू सोचिए कितना है। ग्रेट कंपनीज की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़े, अपनी खुद की कंपनीज, अपनी कंपनीज, अपनी जिसमें काम करते हैं या जिसके ओनर हैं, उसकी भी तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, समझ तो पढ़ना चाहिए क्या चल रहा है, उसकी पता नहीं कितनी वैल्यू है। ग्रेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कितनी वैल्यू है, ग्रेट स्टॉक्स को समझने की और वैल्यू करने की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आपको इस वजह से आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू इज टेकिंग इट सीरियसली एंड रजिस्टरिंग फॉर द इंटेंसिव प्रोग्राम, क्योंकि प्राइस भी आपको बेटर मिलता है इन द वेबिनार ऑफर, और आपको अलग ऑफर्स मिलते हैं जहां व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। बाकी लोग जो जब ज्वाइन करते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलता हमेशा के लिए, सो मेरे जो व्यूज होते हैं वो मैं उस पर अपडेट करता हूं। दूसरा, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि यार मेरे तो सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे हेल्प करेगा क्या? तो आजकल के जमाने में जैसे मैं बार बार बोलता हूं, वी हैव मोर देन 2000 रिव्यूज, 2000 रिव्यू है, 1100 से ज्यादा हमारे गूगल रिव्यूज है, 1100 से ज्यादा गूगल रिव्यूज है हमारे पास, और 4.8 रेटिंग पे हैं जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। और उसमें बहुत लोग बोलते हैं मैं 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहा था, बट ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता लगा ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को जीरो नॉलेज थी, जीरो नॉलेज, बट ये कोर्स करने के बाद मैंने अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स ठीक कर रहा हूं। मैं बेसिकली ये कथा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को पहले जीरो नॉलेज थी और अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है मेरे लाइफ में फाइनेंस के रिलेटेड। आई एम एबल टू कॉन्फिडेंटली स्पीक अबाउट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट इन्वेस्टिंग टेक्निक्स। फिर आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड हर्षा। अब याद रखिए हमारा कोर्स अधिकतर रिकमेंडेशन पे ही चलता है, रेफरल होता है, कोई ना कोई आपका दोस्त है जिसने आपको बोला होगा यार फ्री सेशन अटेंड करके आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही बहुत लोग आपको बोलेंगे ये इंटेंसिव प्रोग्राम करो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर द कोर्स। दूसरा, बहुत लोग आपको बताएंगे कोर्स का जो जो मेन आइडिया है वो एजुकेशन है,
वो कुछ बेचना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपको बोल रहे हैं ये सर्विस ले लो हमारी, अब हमारी ये सर्विस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज प्योर एजुकेशन जो आपको कोर्स से मिलती है। वी विल नेवर इवन सेल यू अ इंश्योरेंस पॉलिसी, हम कोई म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे, हम बेचने के बिजनेस में है ही नहीं, हमारा काम है आपको एजुकेट करना। सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर द इंटेंसिव प्रोग्राम टुडे ड्यूरिंग दिस वेबिनार। सुखबीर सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। रविंदर सर का क्वेश्चन है, इस कोर्स में एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, एल्गो ट्रेडिंग हम आपको बताते हैं जनरली आप में उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, इस कोर्स के बाद आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए नहीं है। ऑलराइट, रविंदर सर का क्वेश्चन, आई एम 66 ईयर ओल्ड, वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ 1.8 एंड आई हैव अ सन हु इज स्टडीइंग फॉर एमबीए एंड आई नीड 2 लाख मंथली। तो देखिए, इसमें तो पहले रविंदर सर मैं आपको ये बोलूंगा, आपको पहले फाइनेंशियल प्लान बनाना है। मैं विदाउट फुल इंफॉर्मेशन कैसे बता दूं आपको प्लान क्या होना चाहिए? इसमें तो बहुत क्वेश्चन है सर। आप मेरे को बोल रहे हैं कि प्लान बनाओ, तो प्लान बनाने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा आपके पास लोन ओपन है कि नहीं, फिर आपकी मंथली कोई इनकम है कि नहीं, फिर यह चेक करना पड़ेगा कि आपका क्या क्या गोल्स हैं, लाइफ के गोल्स क्या क्या हैं, क्या सिर्फ एजुकेशन का ही गोल है, आपका रिटायरमेंट भी गोल है, किसी की मैरिज का भी गोल है, तो ऐसे तो पूरा प्लान बनाना है सर। मैंने आज आपको एक रफ आइडिया दिया, जो पैसा आपको महीने के महीने चाहिए वो पैसा आपको कहां रखना चाहिए, सिक्योर फंड्स में, जो पैसा आपको ग्रोथ की तरफ चाहिए वो आपको इक्विटी में रखना है। जैसे आपने बोला कि समझिए आपको 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तो आपको पहले तो कैलकुलेट करना है कि मुझे अगर 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए तो मुझे 1.8 करोड़ में से कितना पैसा बैंक में रख देना चाहिए ताकि मैं 2 लाख पर मंथ निकाल सकूं, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो नंबर रिलेटिवली हाई होगा, 1.8 करोड़ में आप ये दोनों चीजें मैनेज कर लेंगे अच्छे से, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर आपको देखना पड़ेगा आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स क्या है, तो उनको भी सिखाया जाएगा कि एग्जिस्टिंग एसेट्स को कैसे यूटिलाइज करिए। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, पहले आप हमारे पहले 8 घंटे का कोर्स करिए, देयर इज अ मनी बैक गारंटी, उसमें कोई उसमें लूज नहीं है करते आप। अगर आपको ये समझ पड़ जाए, आप उसके बाद मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करिए और 1-to-1 मीटिंग में मेरे को पूछिए कि वरुण ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे मैनेज करूं, या आप लाइव सेशंस में मुझे आप अपना ये Q&A लिखिए तो मैं आपको डिटेल में पूछूंगा, ये सब बताइए, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि बेसिकली अब हमको क्या करना चाहिए। तो इधर लाइव सेशन में आइए या फिर 1-to-1 मीटिंग में आइए। रविंदर सर का क्वेश्चन है, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई 45 ईयर्स ओल्ड, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो फॉर बोथ। तो देखिए, अभी तो मैं यही बोलूंगा, तो मैं जैसे बोल रहा हूं ये तो पहले हमको सीखना पड़ेगा सर। मैं ऐसा कैसे बता दूं आप अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे, पहले तो अपने को तो मास्क लगाना है, मतलब किसी और को मास्क लगाने से पहले फ्लाइट में पहले खुद को तो मास्क लगाना है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो आप कैलकुलेट करिए, तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो ये लीजिए, जो 45 ईयर्स ओल्ड हैं उनकी 2 डॉटर्स हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक की एजुकेशन 10 साल दूर है, एक की एजुकेशन 12 साल दूर है, लेट अस अज्यूम दैट। अब जो 10 साल दूर है उसकी एजुकेशन कब आने वाली है, 10 साल बाद मान लेते हैं, और उसके लिए कितना चाहिए, मान लेते हैं 20 लाख रुपया। अगर 20 लाख रुपया चाहिए, कब चाहिए, ये 10 साल बाद, तो पहले तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करिए कि भाई कितनी कॉस्ट होगी इसकी। तो आपने 6% की महंगाई लगा दी, कितने साल लगा दी, 10 साल, पीएमटी 0, और आज का खर्चा कितना है, 20 लाख रुपए, आज जाती पढ़ने दो। तो जब तक ये पढ़ने जाएगी तब तक खर्चा कितना हो जाएगा, 35.82 लाख। तो आपने बोला हर महीने मुझे इसके लिए इन्वेस्ट करना है ताकि 35 लाख बन जाए। मान लेते हैं आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया, हर महीने SIP बना दी, 15% का रिटर्न मिल गया, महीने के महीने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, हर साल में 12 बार, स्टार्टिंग में कितने रुपए डाले, 0 रुपीज, और फ्यूचर में कितना चाहिए, 36 लाख, मान लीजिए 35 लाख, 82 लिखा है तो 36 लाख, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो 13,000 रुपए की सिप डालेंगे तो आपका ये 35 लाख बन जाएगा, गोल पूरा हो जाएगा। फिर आपने बोला अरे नहीं, मेरे पास आज ना 3-4 लाख रुपए स्टार्टिंग में डालने के लिए भी है, तो समझिए आपने 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाल दिया। अगर आपने 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाल दिया तो आपकी SIP 13,000 से गिर के 11,000 आ गई। इस ढंग से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैं बोल रहा हूं पहले 8 घंटे में ही सीखने को मिलता है, वो आपको मिलेगा कि मैं रिटायरमेंट को कितने डालूं हर महीने, बच्चों की एजुकेशन के लिए कितने डालूं, किसी के मैरिज के लिए कितने डालूं, ये प्लान आप बना पाएंगे। और ये प्लान बनाने के बाद
आप बोलेंगे मैं टैक्सेशन ठीक कैसे करूं, मैं इंश्योरेंस लेनी चाहिए कितने की लेनी चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो मेरा वेल्थ है। इसको बोलते हैं वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें, तो ये आप सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ये ऐसा नहीं होता कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर लोन्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पैसा कब चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए होगा, हम प्लान बना देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो ये उनके लिए कर रहा हूं जो 30-40 इयर्स के लिए हैं, जो 30-40 वाले हैं, 30-40 वो सब पेपर पेन ले लीजिए फटाफट। उनके लिए मैं बेसिकली एक प्लान बना रहा हूं और वो प्लान क्या है, रिटायरमेंट प्लान आपके लिए। और याद रखिए ऐसे बहुत डिटेल में बहुत सारे प्लान बनाने होते हैं और अलग अलग फोलियो बना देते हैं, एजुकेशन का अलग, इसका अलग, इसका अलग, ताकि मैं कंट्रोल में आ जाऊं, एमरजेंसी फंड को अलग। अब रिटायरमेंट प्लान बनाना है, मान लेते हैं अभी के लिए आप 30 साल के, आप कब रिटायर होंगे, 60 में होंगे, तो इधर लिख लेते हैं रिटायरमेंट एट 60। कितने साल हैं, 30 साल हैं। आपका आज महीने का खर्चा कितना है, मान लेते हैं आपका महीने का खर्चा है 60,000 रुपीज पर मंथ, 60,000 रुपये आपका महीने का खर्चा है। आज आपका 60,000 खर्चा है तो जब आप रिटायर होंगे तो कितना होगा, कैलकुलेट करिए, 6% से महंगाई बढ़ते रहेगी, 30 साल के लिए बढ़ेगी, हर PMT 0 और आज का खर्चा कितना है 60,000। ये 60,000 महीने का खर्चा जब आप रिटायर होंगे तो 3.44 लाख हो जाएगा। तो सब लोग कहीं नोट करिए कि जो आज आप 30 साल के हैं, जब आप 60 साल के होंगे तो आपका महीने का खर्चा, महीने का 3.44 लाख होगा। हर महीने चाहिए होंगे आपको 3.44 लाख। कब तक चाहिए होंगे, 90 की एज तक, 30 इयर्स। अब आपको 360 महीने 3.44 लाख चाहिए, तो 60 की एज में मैं कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दूं, 60 की एज में मैं कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दूं सो दैट मैं हर महीने कितने निकाल सकूं, 3.4 मैं निकालते जाऊं कितने साल के लिए, 30 साल के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं एक्सेल पे, इक्वल टू PV, मैंने 60 की उम्र में पैसा बैंक में रखा, उन्होंने मेरे को 6-7% का रिटर्न दिया, उसके अंदर मैं हर महीने पैसे निकालूंगा, कितने साल निकालूंगा, 30 साल, हर साल में 12 बार, कितने रुपए निकालूंगा, 3,44,000, और लास्ट में ये पैसा जीरो हो जाएगा। तो जिनको 3,44,000 निकालने हैं उनको अपने रिटायरमेंट तक 5 करोड़ 17 लाख एक्यूमुलेट करने हैं। अब इतने पैसे एक्यूमुलेट कैसे करें, कहां से लेके आए इतने पैसे, भाई इसके लिए या तो आप बैंक में हर महीने डिपॉजिट करें, मंथली डिपॉजिट करें, या फिर निफ्टी में आप मंथली SIP करें। और जब ये इंपॉर्टेंट गोल हो जाए, बाद में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें वो सीखेंगे, पहले लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल तो सिक्योर करिए। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएंगे तो फिफ्थ मॉड्यूल में आएंगे, वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करें ये बात की बात है, पहले वेल्थ को क्या करिए, रिटायरमेंट को सिक्योर करिए। अब बैंक में कितने रुपए डालें, इक्वल टू PMT, बैंक में रेट मान लेते हैं 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा, आजकल कम, बाद में ज्यादा कम करके मान लेते हैं, डेट फंड ले लिया तो 7% आ जाएगा, टैक्सेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। कितने साल हैं आपके पास, 30 साल, आज आप 30 के हैं, 60 में रिटायर होंगे तो 30 × 12, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपके पास, मान लेते हैं जीरो, और फ्यूचर में कितना चाहिए, 5 करोड़ 17 लाख। 5 करोड़ 17 लाख इकट्ठा करने के लिए बैंक में आपको 42,000 रुपीज हर महीने बैंक में डालने पड़ेंगे, तब जाके ये बनेंगे आपके 5.717 करोड़। आपने बोला यार वरुण ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने बोला तभी तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, तभी तो आज आपको जब आपको 7 डे मनी बैक गारंटी मिल रहा है तो आपको ये ऑफर यूज करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या हम कैसे प्लान बना सकते हैं। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, अब निफ्टी में आपने बोला 15% मिलता है डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, वही 30 साल, 30 × 12, स्टार्टिंग में कितना पैसा है, जीरो, और फ्यूचर में कितना चाहिए, 5 करोड़ 17 लाख, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये 7% से हमने 15 किया है, अमाउंट 42,000 से गिर के कितना आ जाता है, 7,500। 7,500 रुपया महीना डालो, अपने लाइफ के गोल सिक्योर कर लो। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मैं हर महीने कितने रुपए डालूं कि बच्चे की एजुकेशन सिक्योर हो जाए, हर महीने कितने डालूं अपना रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए, बच्चे का मैरिज प्लान सिक्योर हो जाए, मेरी टैक्स प्लानिंग कोई वरी फ्री कर दे, मेरी इंश्योरेंस कोई बता दे कितनी लेनी चाहिए, उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचता है उससे मैं अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करूं। मतलब मैं तो बोल रहा हूं, हम तो कई बार बोलते हैं ये कोर्स गवर्नमेंट को कंपल्सरी करना चाहिए स्कूल्स में,
और हम स्कूल्स में डीएवी के साथ बहुत काम कर रहे हैं, पहले हम सीआईएसएफ बीएसएफ के साथ काम कर चुके हैं, अभी हम सीएसएफ के साथ कर रहे हैं, आर्मी के साथ कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं सबको ही करना कंपलसरी है। कौन ऐसा है जो नहीं जानना चाहता कि मुझे मनी को मैनेज कैसे करना है? कौन है जो अपनी लाइफ को वरी फ्री करना नहीं चाहता? कौन है जो नहीं जानना चाहता कि मैं हर महीने कितने रुपए करूंगा तो अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूं, वरी फ्री हो गया हूं, मैं राइट अमाउंट सेव कर रहा हूं और जो बचता है उसको वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करूं? ये तो लाइफ के सबका इंपॉर्टेंट गोल है। मतलब आई डोंट थिंक एनीवन शुड नॉट रजिस्टर इन द इंटेंसिव प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड कि क्या पावर है, और उसके बाद आपके 7 डे मनी बैक गारंटी है, देयर इज नो रीजन कि आप ट्राई ना करें। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस, कल्पिता मैम का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपनी गोज आउट ऑफ निफ्टी, हाउ विल माय फंड वैल्यू चेंज? तो देखिए इमीडिएटली तो आउट होता नहीं है, जब वो आउट होगा तब तक उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा। जब तक वो 50th कंपनी बनेगी उसका साइज इतना छोटा हो गया होगा, 0.2% ऑफ निफ्टी हो गया होगा, तो 0.2% की निफ्टी को बाहर निकालेंगे, उस पैसे से वो नया स्टॉक जो आएगा उसको खरीद लेंगे। तो नेचुरली जब कोई स्टॉक खराब करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन जो बढ़ रहे होते हैं उसमें गेन भी होता है। तो आपको चिंता नहीं करनी थी, कैसे सोचिए, सत्यम बाहर निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्यम के ऑर्डर इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल को मिल गए तो वो बड़े हो गए, तो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। अजय सर का क्वेश्चन है, कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी कवर होता है? एब्सोल्युटली, बहुत डिटेल में होता है अजय सर, जैसे हमने बोला ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है तो बहुत डिटेल में होता है, ये जो आप बोल रहे हैं कैंडलस्टिक टीटीवी बाय टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत डिटेल में होता है। रुत्विक सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। LIC IPO ले या नहीं, क्या बाकी स्टॉक उस टाइम पे गिरेंगे? मतलब मैं तो मानता हूं कि LIC IPO आने का मतलब ही है कि सरकार को भी लगता है कि इस टाइम पे महंगा बेच सकते हैं, और महंगा बेचने की वजह से वो आपको ऑफलोड करके आपको पकड़ा रहे हैं। तो याद रखिए, वॉल स्ट्रीट पे ऐसा कहा जाता है, वॉरेन बफेट सर ऐसा बोलते हैं, इफ एनीवन ट्राइज टू सेल यू समथिंग ऑन द वॉल स्ट्रीट, मतलब अगर कोई भी अपना आईपीओ लेके कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है दलाल स्ट्रीट पे या वॉल स्ट्रीट पे, तो ग्रैब योर वॉलेट एंड रन। मतलब आपको कोल इंडिया का आईपीओ लिया होता और अब तक क्या हुआ है एक बार देख लीजिए, अगर आपने पेटीएम का आईपीओ लिया होता और अब तक क्या हुआ है वो देख लीजिए। होता क्या है, सर्वाइवरशिप बायस होता है, हर एक आदमी को लगता है कि अगर मैंने ये कंपनी आईपीओ में ले ली होती, तो जो कंपनी आईपीओ आने के बाद बड़ी भी है उसके बाद भी आपको दिखेगा कि आईपीओ पे जब आई थी वो हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करती है, कोई कंपनी सस्ते में अपना स्टॉक कभी पब्लिक को देगी ही नहीं, वो आके मार्केट से जितना ज्यादा पैसा रेज हो सके जितना महंगा बेच सके ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, ऐसा टाइम ढूंढता है। गवर्नमेंट भी ऐसा टाइम ढूंढ रही है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट से ले सके और उनका फिस्कल डेफिसिट हो सके, तो आई वुड नॉट गेट इनटू दैट, मैं LIC IPO में नहीं जाऊंगा। विच आर गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म? तो महेश सर देखिए पहले क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमने निफ्टी बताया उसको आपने इग्नोर कर दिया, अब आप बोल रहे हैं बताओ कौन से गुड स्टॉक्स हैं। तो मैं बोल रहा हूं सर पहले तो आपको निफ्टी करके पहले लाइफ तो सिक्योर कर लीजिए, फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं वो तो हम स्टॉक मतलब सिखाते ही सिखाते हैं। क्या आप मेरे से एडवाइजरी मांग रहे हैं? तो एडवाइजरी सेबी हमको अलाउ नहीं करती, सेबी बोलती है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और आप पब्लिक को ऐसे ही किसी को बता रहे हैं तो आप कहीं प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। लेकिन हम कई बार बोल चुके हैं, जो हम पब्लिकली बहुत बार बोल चुके हैं जिसपे मेरे को बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, कि हमको लगता है कि आपको ITC जैसे स्टॉक में होना चाहिए, EIL जैसे स्टॉक में होना चाहिए, HPCL BPCL जैसे या IOCL जैसे स्टॉक में होना चाहिए, आपको शायद सीमेंट स्टॉक्स में होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं ये कैसे बोल रहा हूं कि ये लेने चाहिए, ये यूजलेस है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैं इसको ऐसा समझाता हूं, मैं अपने बड़े भाई को बहुत बार ये बताता हूं, मेरा बड़ा भाई मेरे को बार बार पूछता है बता कौन सा खरीदना चाहिए, क्या स्टॉक खरीदना चाहिए। तो मैंने बोला कोई फायदा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं करना चाहिए, निफ्टी ले लो तुम और तुम ये सब मत लो। तो मेरे भाई ने बोला क्यों नहीं करूं मैं कॉपी तेरे को, तू जो खरीद रहा है वही खरीद लूंगा। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आपने कभी सुना है झुनझुनवाला का भाई अमीर है? तो मुझे बताइए झुनझुनवाला का भाई अमीर क्यों नहीं है? उसको भी तो बताया होगा झुनझुनवाला ने कि ये स्टॉक खरीद लो वो स्टॉक खरीद लो, क्योंकि स्टॉक खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस स्टॉक में आपका कन्विक्शन है कि नहीं, और वो कन्विक्शन आप सिर्फ एजुकेशन से ही ले सकते हैं। जब कोई स्टॉक खरीदते हैं नहीं पड़ता कुछ नहीं होता, आपकी एजुकेशन काम आती है स्टॉक में, वरना झुनझुनवाला ने तो कितने लोगों को बता दिया होगा कि ये खरीद लो, तो उसके आजू बाजू सारे अमीर क्यों नहीं बन गए? तो ऐसे अमीर नहीं बनते सर।
अमीर बनने के लिए एजुकेशन और कन्विक्शन अपना होना चाहिए, और वो एजुकेशन से ही आता है। मिनिमम बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होता सर, कोई मोहन सर का क्वेश्चन है। निफ्टी में मिनिमम एसआईपी कर रहे हैं तो 500 रुपीज, लमसम कर रहे हैं तो 5000 रुपीज, अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो। देवजी सर का क्वेश्चन है, व्हाट इज यूफोरिया? तो यूफोरिया का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे सब इतने खुश हैं, सब बोल रहे हैं बेस्ट है। तो जब सब मानते हैं सब कुछ बेस्ट होने वाला है, तो लोग उस चीज के लिए क्या भरना स्टार्ट करते हैं? प्रीमियम भरना स्टार्ट करते हैं। सबको लगता है फ्यूचर ब्राइट है, सबको लगता है आगे ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, तो लोग क्या भरना स्टार्ट करते हैं? एक्स्ट्रा पे करना स्टार्ट करते हैं। तो यूफोरिया इज अ ग्रेट मूड, ऑप्टिमिज्म का उल्टा, या पेसिमिज्म का उल्टा, सॉरी यूफोरिया इज ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म का उल्टा, डिप्रेशन का उल्टा। सब डिप्रेस्ड हैं और सब यूफोरिया में हैं, सब खुश हैं बहुत ज्यादा। तो जब खुश होते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं, और जब फ्यूचर को लेके सबको डाक लगता है तो डिस्काउंट मिल रहा होता है। परफेक्ट। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, इफ यू कैन ओपन द चैट बॉक्स वंस अगेन सो दैट वी कैन स्टार्ट गेटिंग इन सम मोर क्वेश्चंस। तो जब तक हमारी टीम चैट बॉक्स ओपन कर रही है, जब तक हमारी टीम चैट बॉक्स ओपन कर रही है, जब तक आप अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं, माय जॉब इज टू मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू टेक्स एडवांटेज ऑफ द इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफर टुडे। तो आई एम अज्यूमिंग आप में से सभी लोगों ने इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर दिया है। आप सब मेरे को लाइव सेशन में मिलेंगे, आप सब 1-to-1 मीटिंग में मेरे से डिस्कस करेंगे कि वरुण हमने पूरा कोर्स कर लिया, अब ये बता कि ये कोर्स करने के बाद मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे लाइफ में मैं कैसे करूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वरना आइडिया ऑफ द कोर्स इज कि आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आपको अपना प्लान खुद बनाना आना चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू आर रजिस्टरिंग इन द इंटेंसिव प्रोग्राम। आप मैं टीम से एक और चीज रिक्वेस्ट भी करूंगा, अभी मैं जब आपके क्वेश्चन क्लोज करेंगे तो करूंगा। मेक श्योर कि आपने ये लिंक नोट कर रखा है, लिंक जो है वो है varunmalhotra.co.in, कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए। राम सर थैंक यू सो मच, varunmalhotra.co.in/webinar-offers। तो ये बेसिकली आप कहीं नोट करके रख लीजिए। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुलदीप सर थैंक यू सो मच फॉर रजिस्टरिंग फॉर द इंटेंसिव प्रोग्राम, जो भी रजिस्टर कर रहे हैं भूलिएगा मत, एक तो वीडियोस देखने के बाद वो लाइव सेशन में हमको आना है, और वहां पे हमको देखना है कि जो हमने सीखा उसको और इजी कैसे कर सकते हैं, वहां पे हमको देखना है कि अपने स्पेसिफिक लाइफ रिलेटेड चीजों को कैसे बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इंटेंसिव अपने लाइव सेशन में आए और 1-to-1 मीटिंग करें। तो टीम एक और बार इफ यू कैन चांस सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो टीम एक बार अगर आप चैट बॉक्स क्लोज कर सकते हो और हमारा रिव्यूज डाल सकते हो, दैट टू आई वांट टू एक्सप्लेन टू पीपल। देखिए आज के जमाने में बहुत ज्यादा होता है कि लोग बोलते हैं मैं जानना चाहता हूं बाकी लोगों ने ये कोर्स से क्या सीखा, उनको क्या फायदा हुआ। तो अब हम जैसे लोग तो यही बोलते हैं हमारे कोर्स से ज्यादा पता करना आसान की है ही नहीं, जिस कोर्स के 2000 से ज्यादा रिव्यूज हो वहां का बहुत आराम से पता कर सकते हैं। तो टीम इफ वी कैन क्लोज द चैट बॉक्स एंड पुट द लिंक ऑफ द रिव्यूज, अगर आप रिव्यूज का लिंक डाल सकें टीम तो दैट वुड बी ग्रेट, मैं सबको वो रिव्यूज पढ़ाना चाहता हूं। अच्छा, अभी जो हम रिव्यू का लिंक डालेंगे उसमें मैं आपके रिव्यूज नहीं मांग रहा, आपको रिव्यू नहीं देना है याद रखिएगा, क्योंकि आपने अभी कोर्स नहीं किया है। हम रिव्यू आपको दिखा रहे हैं जो इंटेंसिव प्रोग्राम कर चुके हैं, उनके रिव्यूज में आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि डिसीजन लेना इजी हो जाता है। आपको पता लगता है मुझे कोर्स क्यों करना चाहिए, आपको पता लगता है लोगों ने कोर्स से कैसे बेनिफिट किया है। तो हमारे इधर अगर आप सिर्फ गूगल रिव्यूज देखें तो मोर देन 1100 गूगल रिव्यूज होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं पेज ओपन कर रहा हूं, जो हमारी टीम ने रिव्यू का लिंक डाला है वो मैंने वहीं से ओपन किया है, ये हमारी टीम ने डाला है। आप इस पे रिव्यू नहीं देंगे, आपने कोर्स नहीं किया, ये आपके रिव्यू के लिए नहीं है। अब इसको कैंसिल किया, यहाँ पे मोर देन 1100 रिव्यूज दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको लगे कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आपको जाना चाहिए और एक एक करके लोगों के रिव्यूज पढ़ने चाहिए, भाई क्यों लोग बोल रहे हैं, क्या अच्छा है, क्यों सीखना चाहिए। आप पूरा डिटेल में जा सकते हैं और वहां पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सेशन खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट में, उसके बाद भी कुछ 5-10 मिनट तक आपके पास टाइम होगा कि आप उस लिंक पे जाके
पेमेंटर सकते होंगे। तो आप क्या करिए, आप बेसिकली ये ध्यान रखिए कि ये हमारा लिंक है varunmalhotra.co.in/webinar-offers, रिव्यू लिंक पे जाइए, रिव्यू पढ़िए और समझिए कि आपको कोर्स में रजिस्टर क्यों करना चाहिए। तो एक बार पढ़ के देखिए, हो सकता है आपको समझ पड़े कि हमें क्या फायदा होगा। तो मैंने रिव्यू लिंक दे दिया है आपके चैट बॉक्स पे, हमारी टीम ने वो लिंक डाला हुआ है। दूसरा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज आपने देखा 4400 लोग सेशन में थे, तो इतने लोग तभी आते हैं जब आप जैसे लोग बाकी लोगों को रेफर करते हैं कि यार ये फ्री सेशन ही जरूर करना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज जितना ज्यादा इसको स्प्रेड कर सके उतना अच्छा, क्योंकि हम पूरी कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी फ्री करना चाह रहे थे। फ्री करना चाह रहे थे मतलब एटलीस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, जो बेसिक चीजें हैं वो तो सबको फ्री मिलनी चाहिए। ये हम डीएवी के साथ प्रोग्राम भी कर चुके हैं, स्कूल के साथ भी फ्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो मैं बोल ही रहा हूँ, आर्मी तो हम बता ही चुके हैं। तो हम ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट है ये सबको फ्री पहुंचे। और हो सकता है कुछ सालों बाद हम गवर्नमेंट के साथ भी स्कूल्स में करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने बोला डीएवी के साथ तो हम स्कूल्स में अभी कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा ग्रो कर रहा है, आईपीओ क्यों ले, लोन क्यों नहीं लिए बैंक से। मैं अंशुल सर का क्वेश्चन नहीं समझ पाया, अच्छा ग्रो कर रहा है, अगर अच्छा ग्रो कर रहा है आईपीओ क्यों लाए, अच्छा लोन क्यों नहीं। तो देखिए सर ने बोला कि AWL जो कंपनी है वो बेसिकली अगर अच्छा कर रही थी तो बैंक से क्यों नहीं लोन लिया। तो आप ही सोचिए सर, बैंक से क्यों नहीं लोन लिया, जब मार्केट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई होती है और मार्केट से मनी रेस करना आसान होता है तो आप मार्केट से पैसा रेस करते हैं। क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया तो आपको एक लायबिलिटी भी है कि आगे पे करना है, लेकिन इक्विटी होल्डर से रेस कर लिया तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, जब मार्केट बड़ी होती है, मार्केट जब बड़ी होती है तो वहां पर बहुत सारे आईपीओ लेके आती हैं, क्योंकि उसी टाइम पैसा रेस करना रिलेटिवली क्या होता है, आसान होता है। कोई परफेक्ट टाइमिंग तो कर नहीं सकता कि यही मार्केट का पीक होगा, तो लोग क्या करते हैं जब मार्केट का मूड थोड़ा अच्छा चल रहा होता है, 1 से ऊपर की पीर मार्केट कैप बाय जीडीपी चल रही होती है तो वहां पे पैसा रेस करते हैं। बैंक से क्यों जाऊंगा, बैंक से मैं जाके क्या फायदा, जब बैंक से तो मैं तब जाऊंगा जब मार्केट बुरी तरह गिरी हुई हो। आज तो मार्केट उठी हुई है, अगर जो कई लोग बोल रहे हैं गिरी हुई है तो 18,000 से 17,000 समथिंग को गिरा हुआ नहीं बोलते, ये पूरी मार्केट बड़ी हुई थी, तो यहां से पैसा रेस करना इजी होगा। शुभम सर का क्वेश्चन है, ट्रेड इन एफएनओ, मेक प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड इज ओनली माय इनकम, इज दिस अ गुड आइडिया। तो शुभम सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आप हम बार बार बोलते हैं, आज तो हमने ये सिखाया कि पैसा कमाने का क्या तरीका है मार्केट में, मैं ये बताना भूल गया कि बर्बाद होने के 5 तरीके होते हैं। तो ये बर्बाद होने के जो 5 तरीकों में से एक तरीका है एफएनओ, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं सर, एक न एक दिन आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे वरुण गड़बड़ हो गई अब मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा आप कुछ नहीं कर सकते सर, अगर गैम्बल कर रहे थे तो गैम्बलिंग करके पैसा वापस नहीं लाइए, तो ये तरीका ठीक नहीं है, बट जब तक चलता है तो लगता है इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा, अब आप में से कई लोग जो है जब लोगों को बताएंगे कि हमने ये सीखा तो कई लोग आपको बोलेंगे अरे क्या बात कर रहा है, ये सब छोड़, इससे अच्छा ये म्यूचुअल फंड ले, इससे अच्छा कुछ ये खरीद ले, ये निफ्टी को बीट कर देगा, निफ्टी से ज्यादा अच्छा करेगा। ये टेंडेंसी है, इवन तो किसी ने पैसा कमाया नहीं है लेकिन सब बताते तो है कि भाई ऐसा कर लो तो ज्यादा पैसा बन जाएगा। तो आपको हमेशा वॉरेन बफेट सर का एक कोट याद रखना है, तो ध्यान से पढ़िए, बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड, एक इंडेक्स फंड में अगर आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब SIP के फॉर्म में करते हैं, तो नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। मतलब अगर आप SIP करते हैं निफ्टी में तो आप बड़े बड़े फंड मैनेजर से अच्छा कर जाएंगे। जैसे देखिए लास्ट 1 ईयर में 111 म्यूचुअल फंड थे, उसमें से अगर आपने निफ्टी लिया होता तो आपका 35th रैंक आता, 35th रैंक 111 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से। उसके बाद जो 34 बचे उनको अगले साल फिर पीछे छोड़ देंगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे फंड मैनेजर से भी आप क्या करने वाले हैं, अच्छा करने वाले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबको लगता है वो बेस्ट फंड कौन सा है, और वो बेस्ट फंड ढूंढने जाएंगे और आप वर्स्ट फंड हाथ में ले आएंगे, और बार बार आप फंड से फंड ट्रांसफर ही करते रहेंगे, और एक फंड से दूसरे फंड में जाने के बार बार आप टैक्सेस भरते रहेंगे और आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए,
जो आज आपने कोर्स में सीखा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं और वहां पे इंडेक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरी 4 वीडियोस हैं। इंडेक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड हमारा पूरा एक यूट्यूब चैनल है, तो इंडेक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड वरुण मल्होत्रा आप म्यूचुअल फंड को डिटेल पे वहां देखिएगा। तो आई होप ईच वन ऑफ यू हैव लर्न्ड इन द सेशन टुडे। आई होप ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन टू रजिस्टर इन द इंटेंसिव दस पंद्रह मिनट।